नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है तेजस और ये मूवी आपको किस पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म परेशन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे तो चलिए शुरू करते हैं तेजस दो तो तेईस में आई एक हिंदी फिल्म है तेजस जिसे सर्वेश ने लिखा और निर्देशित किया है रोनी स्क्रूवाला इसमें निर्माण है फिल्म में मुख्य भूमिका में कंगना रनौत ने अभिनय किया है जबकि अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में अंशुल चौहान और वरुण मित्रा नजर आए हैं तेजस एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो भारतीय वायुसेना की एक पायलट तेजस गिल की शीर्षपूर्ण कहानी को बया करती है फिल्म में तेजस के साहसी मिशनों को कठिन चुनौतियों का सामना करने का जब्बे और देशभक्ति के दम को बखूबी दर्शाया गया है हालांकि सताइस अक्टूबर दो को रिलीज होने के बाद फिल्म को समीक्षकों से अधिक तक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली आलोचकों ने कहानी में कमजोरी और फिल्म निर्माण के कुछ खामियों की और इशारा किया नतीजत तक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप घोषित हुई और शुरुआती दो दिनों में ही इसके अधिकांश शो रद्द कर दिए गए हालांकि पाँच जनवरी दो को यह फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जी पर उपलब्ध कराई गयी कुल मिलाकर तेजस एक ऐसी फिल्म है जिसने अपने बड़े बजट और देशभक्ति ने नारे के बावजूद दर्शकों को दिल जीतने में कामयाब रही फिल्म की कहानी और कुछ तकनीकी पहलुओं पर उठे सवालों के कारण उसे बॉक्स ऑफिस पर असफलता का सामना करना पड़ा हालांकि फिल्म को देखने का निर्णय आपका है क्योंकि कुछ दर्शकों ने फिल्म के एक्शन दृश्यों को कंगना रनौत के अभिनय की तारीफ भी की है तो तेजस को देखना यह या नहीं आपके ऊपर है लेकिन फिल्म के बारे में विस्तृत जानकारी और उसकी असफलता के कारण को समझाने के लिए ये उल्लेख आपको सहायता करेगा पहाड़ों की गोद में छिपे दुर्गम किले के ऊपर आकाश चिरती हुई दो धातु की चीले उड़ रही थी एक थे वायुसेना के सुरवीर बेटा कमांडर अंजलि सिंह और उनके साथ उनकी पक्की साथी को पायलट तारा देवी मगर आज उनका मिशन किसी सामान्य उड़ान से कैसी दूर था राष्ट्र की सुरक्षा खतरे से भी अंजलि और तारा एक खतरे से नष्ट करने के लिए निकलते थे एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डॉक्टर राय चौधरी को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था यह कोई मामूली अपहरण नहीं था डॉक्टर राय चौधरी ने देश की सुरक्षा के लिए एक आधुनिकता अधिक हथियार का निर्माण किया था और आतंकवादी उसी हथियार का इस्तेमाल एक हथानक हमले का योजना कर रहे थे भारत मंडराय इस तूफान को शांत करने का जिम्मा अंजलि और तारा के अंधों पर था चारों ओर दुर्भाग्य घटिया और सतर्क आतंकवादी थे हर कदम सत्रों से भरा था मर्डर और दुश्मन ऐसी लड़ाकू विमान मंडरा रहे होते जमीन पर घात लगाए बंदूकधारी बोलो की छिपे थे और अंजलि और तारा डरते रहे थे ये ये बोल लंबे थे जो लिए वो तपस्या करके आई थी तेज रफ्तार से गुजर और करते हुए उनके लड़ाकू विमान ने किले की और गोता लगाया आसमान और धरती के बीच के घासमान युद्ध हुआ अंजलि की सूक्ष्म राजनीति और तारा का निपुण संचालन दर्शकों को धूल चटा रहा था उनके फायर एंड एंड फायरेट मिसाइलों ने आतंकवादियों के ठिकानों को धुआं कर दिया और दुश्मन के लड़ाकू विमानों का उनके ही जमीन पर धराशायी कर दिया किले के अंदर अंजलि और तारा के पूरा टूम्पर के तरह छलांग लगाई हथियारों के गड़गड़ाहट के बीच ही बंदूकधारियों के एक एक करके निष्क्रिय कर आगे बढ़ रही थी हर धमाका हर चीज उनके इरादे को और मजबूत कर रहा था आखिरकार वो डॉक्टर राय चौधरी तक पहुंच गई वो कमजोर लेकिन हौसले से भरे हुए थे उन्हें बचाकर वापस विमान तक पहुँचाना उसकी मुश्किल थी आतंकवादी का अंतिम हमला हुआ लेकिन अंजलि और तारा डटी रही उनके हौसले के आगे आतंकवादियों को शंसा टूट गई विमान में सुरक्षित बैठ डॉक्टर राय चौधरी की आंखों में भारत की आशा झलक रही थी अंजलि और तारा ने न सिर्फ एक बंधक को बचाया था बल्कि एक बड़े हमले को भी नाकाम कर दिया था उनके बहादुरी के किस्से गगन में गूंज रहे थे वो दो रहती रोशनी ही उन्होंने घातक के अंधेरे में भारत की रोशनी बचा ली थी मगर उनकी कहानी यही खत्म नहीं हुई ये तो सिर्फ शुरुआत है आने वाली कल में भी दुश्मन को साजिश होगी पर जंगली अंजलि और तारा उनके लिए सफेद तूफान बनकर खड़ी रहेंगी भारतीय वायुसेना के बेटियों राष्ट्रों तो की गौरव आकाश की वीरगाथा वीरंगना कहानी यहीं से सितारों तक जाती है जो बात इस फिल्म को अलग करती है वो दो द्वारा अदाकारा पड़ा भूमिका निभाने का ताजा दृश्य है उनकी प्रतिमुत्ता और साहस के सबसे बड़े हथियार है उन्हें कार्य करते हुए देखकर आपको विश्वास हो जाएगा कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं लेखक निर्देशक हरबेश मरोरा यह पुरुषों का प्रेम संबंधों या बचाव की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के रूप में सहायक भूमिका में धकेल कर स्थिति बदल दी जाती है जो एक स्वागत योग्य बदलाव है हालांकि कभी कभी एक तेजस की बहादुरी अतिरिक्त और थोपी हुई महसूस हो सकती है एक पुरुष पायलट के साथ उसका सत्ता संघर्ष एक गुंडे को हराने की उनकी क्षमता और आदिवासी आदिवासियों के साथ उनके मुठभेड़ उसे उदाहरण अत्याधिक लग सकते हैं फिल्म का उदाहरण अनुसरण कर चुनौती हो जाती है क्योंकि वो अतीत और वर्तमान समय सीमा के बीच बदलते रहते हैं जैसे जैसे कहानी सामने आती है कुछ दृश्य अचानक लगते हैं और अधिक सामंजस्यपूर्ण पटकथा सामंजस होती है दरअसल मुख्य बचाव अभियान शुरू होते के बाद हाई ऑक्सीजन एक्शन दृश्यों के साथ फिल्म वास्तव में रोमांचकारी हो जाती है दुर्भाग्य से आसना आतंकवादी हमले के बारे में एक समांतरण कहानी ध्यान भटकाने वाली साबित होती है फोटोग्राफी के निर्देशक हरी के वेम दृश्य रूप में रूप से मनोरम कल्पना प्रस्तुत करते हैं जो रेगिस्तानी सेटिंग्स में हवाई हमले उड़ानों और लड़ाई के दृश्यों को प्रभावित ढंग से कैंसर करती है फिल्म एक्शन विभाग में उत्कृष्ट है जिसमें कंगना नाथ ने सहजता से एक लड़ाकू पायलट की भूमिका निभाई है और शानदार एक्शन दृश्यों और भावनात्मक रूप से उत्साहित क्षण दिए हैं तेजस के तेज लेकिन योग के बफादार ये पायलट का किरदार निभा रहे हैं अंशुल चौहान ने प्रभावशाली प्रदर्शन किए हैं शासव सचदेव का संगीत विशेष रूप से अरिजीत सिंह की प्रस्तुति ऊर्जावान रंजान और विजय गान आ रही अड़ी एक आकर्षक के रूप में सामने आते हैं जिसमें देशभक्ति फिल्म रक्षा नाटक को प्रदर्शनों का संवाद आ सकती है हालांकि एक मजबूत कहानी और कड़ी पटकथा ने फिल्म के प्रभाव को बढ़ा दिया होगा इस रोमांचक फिल्म की प्रेरणा दो में लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय से मिली है जब भारतीय वायुसेना ने उद्युक्त महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे फिल्म की नायिका तेजस अग्रणी महिलाओं में से एक है जो लड़ाकू विमान उड़ान उड़ाने और अपने देश की सेवा करने की दृढ़ संकल्प के साथ पुरुष प्रधान क्षेत्रों को तोड़ती है अपनी तेज वृद्धि और बहादुरी से तेजस अपने प्रतिष्ठा को अपने सब पायलट अफिया अंशुल चौहानधर अभिनेता के साथ एक बंधक को छुराने के मिशन पर भेजने के लिए मना लेते हैं फिल्म से तेजस के साहसी कारनामों अपने देश के प्रति उनके अटूट प्रेम और क्या वो अपने मिशन के सफल होंगी करती है। तेजस फिल्म को आलोचकों ने खूब फाड़ा है एटन टोमोटोज ने इसे केवल 10 प्रतिशत का स्कोर मिला है जो 10 समीक्षकों और टू पॉइंट टेन की औसत रेटिंग पर आधारित है एन टीवी के शिवकल चैटर्जी ने फिल्म को पांच में से वन स्टार दिया और लिखा तेजस एक ऐसी फिल्म है जो शुरू से ही हवा खराब मौसम के फंसी जाती है और कभी बाहर निकालने का रास्ता नहीं खोज पाती एक हवाई युद्ध थ्रिलर कभी इतनी हवा हवाई नहीं रही हालांकि अभी भी प्रतिक्रिया इतनी नकारात्मक नहीं था द टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने पांच में से तीस स्टार दिए और लिखा कहानी के आगे बढ़ने के साथ कुछ स्वीकेंस अचानक से टूटे हुए लगते हैं और आप एक अधिक संगत स्क्रीन प्ले की कामना करते हैं हालांकि फिल्म एक बार मुख्य बचाव अभियान शुरू होने के बाद रोमांचक हो जाती है और कुछ हाई ऑक्सटेन एक्शन दृश्य पेश करती है उन्होंने रनत को भावुक दृश्यों की तरह ही सहजता से एक्शन करते का प्रशंसा की कुछ समीक्षकों ने फिल्म के दूसरे भाग की तारीफ करते हुए उसे अंधे अधूरेपन का शिकार बताया हिंदुस्तान टाइम्स के समर्थन गोयल ने तेजस को आपको आसमान और भू राजनीति के रोमांचकर सफर पर ले जाती है वाली फिल्म रूप में वर्णित किया जो तनाव और प्रत्याशा के क्षणों को बताने का सफल होती है समीक्षा ने पहले हाफ को फुटेज का एक अनियंत्रित बताया लेकिन फिल्म को दूसरे हाफ में अपना संतुलन हासिल करने का श्रेय दिया जहां ये एक प्रशंसनीय लहेज को बनाए रखने की है जो कभी भी तेज और सुचारू नहीं होती फिल्म प्यार के निष्कर्ष निकाला जबकि तेजस युद्ध भूमिकाओं के महिलाओं के समावेश को बढ़ावा देने का एक साहसी प्रयास है लेकिन फिल्म का अधिक उसके धनदेश प्रभाव और कम कर देता है सुब्र गुप्ता ने फिल्म को आंखों को घुमाने वाले क्षणों का एक श्रृंखला के रूप में पैन किया लेकिन उन्होंने रौनक को प्रशंसा की जिनकी अभिनय क्षमता सबसे कमजोर दृश्यों में से चमकती है कुल मिलाकर तेजस को भले ही कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली हो लेकिन अधिकांश आलोचकों ने इसे कमजोर कहानी असंगत स्क्रीन प्ले और अदब के अथानक के लिए नकारा है फिल्म अपने देशभक्ति के संदेश और कंगना और नाथ के प्रदर्शन के कुछ दर्शकों को आकर्षक कर सकती है लेकिन कमजोरियों के कारण अधिकांश लोगों के लिए ये उड़ान भरने में असफल रहता है हिमाचल की चट्टानों से भी ज्यादा देर आकाश के शहर गरजता शोर वही तो है बहादुर सैनिक और जब बात आए इससे देश की रक्षा की तो पहली कड़ी बतना ये एक ऐसा हौसला है जिसके पंख खोल दे तो दुश्मन कांप उठे तेजस तो ऐसे ही एक कुशल वायुसेना पायलट की कहानी है जिसके लहू में बिरता और हवा में उड़ान समाये हुए है पहाड़ों की गोद में छिपे दुर्गम किले के ऊपर आकाश चिरती हुई दो धातु की चीले उड़ रही थी एक थे वायुसेना के सुरबीर बेटा कमांडर अंजलि सिंह और उनके साथ उनके पक्की साथी को पायलट तारा देवी मगर आज उनका मिशन किसी सामान्य उड़ान से कैसी दूर था राष्ट्र की सुरक्षा खतरे से भी अंजलि और तारा एक खतरे से नष्ट करने के लिए निकलते थे एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डॉक्टर राय चौधरी को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था ये कोई मामूली अपहरण नहीं था डॉक्टर राय चौधरी ने देश की सुरक्षा के लिए एक आधुनिकता अधिक हथियार का निर्माण किया था और आतंकवादी उसी हथियार का इस्तेमाल एक हतानाक हमले का योजना कर रहे थे भारत मंडरय इस तूफान को शांत करने का जिम्मा अंजलि और तारा के अंधों पर था चारों ओर दुर्भाग्य घटिया और सतर्क आतंकवादी थे हर कदम सत्रों से भरा था मर्डर और दुश्मन से लड़ा विमान मंडरा रहे होते जमीन पर घात लगाए बंदूकधारी लोगों की छिपे थे और अंजलि और तारा करते रहे थे ये ये वो लंबे थे जो लिए वो तपस्या करके आई थी तेज रफ्तार और करते हुए उनके लड़ाकू विमान ने की और गोता लगाया आसमान और धरती के बीच के युद्ध हुआ अंजलि की सूक्ष्म राजनीति और तारा का निपुण संचालन दर्शकों को धूल चटा रहा था उनके फायर एंड फायरेट मिसाइलों ने आतंकवादियों के ठिकानों को धुआं कर दिया और दुश्मन के लड़ाकू विमानों का उनके ही जमीन पर धराशाई कर दिया किले के अंदर अंजलि और तारा के पूरा की तरह छलांग लगाई हथियारों के गड़गड़ाहट के, के बीच बंदूकधारियों के एक एक करके निस्क्यो कर आगे बढ़ रही थी हर धमाका हर चीज उनके को और मजबूत कर रहा था आखिरकार वो डॉक्टर राय चौधरी तक पहुंच गई वो कमजोर लेकिन हौसले से भरे हुए थे उन्हें बचाकर वापस विमान तक पहुँचाना उसकी मुश्किल थी आतंकवादी का अंतिम हमला हुआ लेकिन अंजलि और तारा डटी रही उनके हौसले के आगे आतंकवादियों को शंसा टूट गई विमान में सुरक्षित बैठ डॉक्टर राय चौधरी की आंखों में भारत की आशा झलक रही थी अंजलि और तारा ने न सिर्फ एक बंधक को बचाया था बल्कि एक बड़े हमले को भी नाकाम कर दिया था उनके बहादुरी के किस्से गगन में गूंज रहे थे वो दो रहती रोशनी ही इन्होंने घातक के अंधेरे में भारत की रोशनी बचा ली थी मगर उनकी कहानी यही खत्म नहीं हुई ये तो सिर्फ शुरुआत है आने वाली कल में भी दुश्मन को साजिश होगी पर जंगली अंजलि और तारा उनके लिए सवेद रहेंगी। के और की गौरव की कहानी से अलग करती है वो दो महिलाओं द्वारा अपरंपरा भूमिका निभाने का ताजा दृश्य है उनकी प्रतिमत्ता और साहस के सबसे बड़े हथियार है उन्हें कार्य करते हुए देख कर आपको विश्वास हो जाएगा कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम है लेखक निर्देशक हरबेश मरोड़ा ये पुरुषों का प्रेम सम्बन्धो या बचाव की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के रूप में सहायक भूमिका में धकेल कर स्थिति बदल दी जाती है जो एक स्वागत योग बदलाव है हालांकि कभी कभी एक तेजस की बहादुरी अतिरिक्त और थोपी हुई महसूस हो सकती है एक पुरुष पायलट के साथ उसका सत्ता संघर्ष एक गुंडे को हराने की उनकी क्षमता और आदिवासी आदिवासियों के साथ उनके मुठभेड़ उसे उदाहरण अत्याधिक लग सकते हैं फिल्म का उदाहरण अनुसरण करना चुनौतीपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो अतीत और वर्तमान समय सीमा के बीच बदलते रहते हैं जैसे जैसे कहानी सामने आती है कुछ दृश्य अचानक लगते हैं और अधिक सामंजस्यपूर्ण पटकथा वांछनीय होती है दरअसल मुख्य अभियान शुरू होते के बाद हाई ऑक्सीजन एक्शन दृश्यों के साथ फिल्म वास्तव में रोमांचकारी हो जाती है दुर्भाग्य से आसना आतंकवादी हमले के बारे में एक समांतरण कहानी ध्यान भटकाने वाली साबित होती है फोटोग्राफी के निर्देशक हरी के वेम दृश्य रूप में रूप से मनोरम कल्पना प्रस्तुत करते हैं जो रेगिस्तानी सेटिंग्स में हवाई हमले उड़ानों और लड़ाई के दृश्यों को प्रभावित ढंग से कैंसर करती है फिल्म एक्शन विभाग में उत्कृष्ट है जिसमें कंगना रनौत ने सहजता से एक लड़ाकू पायलट की भूमिका निभाई है और शानदार एक्शन दृश्यों और भावनात्मक रूप से उत्साहित क्षण दिए हैं तेजस के तेज लेकिन योग के वफादार ये पायलट का किरदार निभा रहे हैं अंशुल चौहान ने प्रभावशाली प्रदर्शन किए हैं शासव सचदेव का संगीत विशेष रूप से अरिजीत सिंह की प्रस्तुति जैसे जानदा ऊर्जावान रंजान और विजय गान आ रही अड़ी एक आकर्षक के रूप में सामने आते हैं जिसमें देशभक्ति फिल्म रक्षा नाटक को प्रदर्शनों का संवाद आ सकती है हालांकि एक मजबूत कहानी और कड़ी पटकथा ने फिल्म के प्रभाव को बढ़ा दिया होगा इस रोमांचक फिल्म की प्रेरणा दो में लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय से मिली है जब भारतीय वायुसेना ने उद्युक्त स्थितियों में महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोल रहे थे फिल्म की नायिका तेजस गिल अग्रणी महिलाओं में से एक है जो लड़ाकू विमान उड़ाने और अपने देश की सेवा करने की दृढ़ संकल्प के साथ पुरुष प्रधान क्षेत्रों को तोड़ती है अपनी तेज वृद्धि और बहादुरी से तेजस अपने प्रतिष्ठा को अपने स पायलट अफिया अंशुल चौहान अभिनेता के साथ एक बंधक को छुड़ाने के मिशन पर भेजने के लिए मना लेते हैं फिल्म से तेजस के साहसी कारनामों अपने देश के प्रति उनके अटूट प्रेम और क्या वो अपने मिशन के सफल होंगी बिगड़ करती है तेजस

टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने पांच में से तीस स्टार दिए और लिखा कहानी के आगे बढ़ने के साथ कुछ सीक्वेंस अचानक से टूटे हुए लगते हैं और आप एक अधिक संगत स्क्रीन प्ले की कामना करते हैं हालांकि फिल्म एक बार बचाव अभियान शुरू होने के बाद रोमांचक हो जाती है और कुछ हाई ऑक्सटेन एक्शन दृश्यों पेश करती है उन्होंने रनत को भावुक दृश्यों के तरह ही सहजता से एक्शन करते का प्रशंसा की कुछ समीक्षकों ने फिल्म के दूसरे भाग की तारीफ करते हुए उसे अंधे अधूरेपन का शिकार बताया हिंदुस्तान टाइम्स के समर्थन गोयल ने तेजस को आपको आसमान और भू राजनीति के रोमांचक सफर पर ले जाती है वाली फिल्म रूप में वर्णित किया जो तनाव और प्रत्याशा के क्षणों को बताने का सफल होती है समीक्षा ने पहले हाफ को फुटेज का एक अनियंत्रित बताया लेकिन फिल्म को दूसरे हाफ में अपना संतुलन हासिल करने का श्रेय दिया जहां ये एक प्रशंसनीय लहेज को बनाए रखने की है जो कभी भी तेज और सुचारू नहीं होती फिल्म फेयर के निष्कर्ष निकाला जबकि तेजस युद्ध महिलाओं के महिलाओ के समावेश को बढ़ावा देने का एक साहसी प्रयास है, लेकिन फिल्म का उसके धनदेश प्रभाव और कम कर देता है सुब्र गुप्ता ने फिल्म को आंखों को घुमाने वाले क्षणों का एक श्रृंखला के रूप में पैन किया लेकिन उन्होंने रौनक को प्रशंसा की जिनकी अभिनय क्षमता सबसे कमजोर दृश्यों में से चमकती है कुल मिलाकर तेजस को भले ही कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली हो लेकिन अधिकांश आलोचकों ने इसे कमजोर कहानी असंगत स्क्रीन प्ले और के अथानक के लिए नकारा है फिल्म अपने देशभक्ति के संदेश और कंगना और के प्रदर्शन के कुछ दर्शकों को आकर्षित कर सकती है लेकिन कमजोरियों के कारण अधिकांश लोगों के लिए ये उड़ान भरने में असफल रहता है हिमाचल की चट्टानों से भी ज्यादा देर आकाश के शहर गरजता शोर वही तो है बहादुर सैनिक और जब बात आए इससे देश की रक्षा की तो पहली कड़ी बतना ये एक ऐसा हौसला जिसके पंख खोल दे तो दुश्मन कांप उठे तेजस तो ऐसे ही एक कुशल वायुसेना पायलट की कहानी है जिसके लहू में बिरता और हवा में उड़ान समाये हुए है पहाड़ों की गोद में छिपे दुर्गम किले के ऊपर आकाश चिरती हुई दो धातु की चीले उड़ रही थी एक थे वायुसेना के सुरबीर बेटा कमांडर अंजलि सिंह और उनके साथ उनकी पक्की साथी को पायलट तारा देवी मगर आज उनका मिशन किसी सामान्य उड़ान से कैसी दूर था राष्ट्र की सुरक्षा खतरे से भी अंजलि और तारा एक खतरे से नष्ट करने के लिए निकलते थे एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डॉक्टर राय चौधरी को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था यह कोई मामूली अपहरण नहीं था डॉक्टर राय चौधरी ने देश की सुरक्षा के लिए एक आधुनिकता अधिक हथियार का निर्माण किया था और आतंकवादी उसी हथियार का इस्तेमाल एक हताना का हमले का योजना कर रहे थे भारत इस तूफान को शांत करने का जिम्मा अंजलि और तारा के अंधों पर था चारों और दुर्भाग्य घटिया और सतर्क आतंकवादी थे हर कदम सत्रों से भरा था मर्डर और दुश्मन से लड़ाकू विमान मंडरा रहे होते जमीन पर घात लगाए बंदूकधारी वोलो की छिपे थे और अंजलि और तारा डरते रहे थे ये ये वो लंबे थे जो लिए वो तपस्या करके आई थी तेज रफ्तार से गुजर और करते हुए उनके लड़ाकू विमान ने किले की और गोता लगाया आसमान और धरती के बीच के घासमान युद्ध हुआ अंजलि की सूक्ष्म सूक्ष्मी और तारा का निपुण संचालन दर्शकों को धूल चटा रहा था उनके फायर एंड फायरेट मिसाइलों ने आतंकवादियों के ठिकानों को धुआं कर दिया और दुश्मन के लड़ाकू विमानों का उनके ही जमीन पर धराशाई कर दिया किले के अंदर अंजलि और तारा के पूरा की तरह छलांग लगाई हथियारों के गड़गड़ाहट के, गर के बीच बंदूकधारियों के एक एक करके की कर आगे बढ़ रही थी हर धमाका हर चीज उनके दादे को और मजबूत कर रहा था आखिरकार वो डॉक्टर राय चौधरी तक पहुंच गई वो कमजोर लेकिन हौसले से भरे हुए थे उन्हें बचाकर वापस विमान तक पहुंचाना उसकी मुश्किल थी आतंकवादी का अंतिम हमला हुआ लेकिन अंजलि और तारा डटी रही उनके हौसले के आगे आतंकवादियों को शंसा टूट गई विमान में सुरक्षित बैट डॉक्टर राय चौधरी की आंखों में भारत की आशा झलक रही थी अंजलि और तारा ने न सिर्फ एक बंधक को बचाया था बल्कि एक बड़े हमले को भी नाकाम कर दिया था उनके बहादुरी के किस्से गगन में गूंज रहे थे वो दो रहती रोशनी ही इन्होंने घातक के अंधेरे में भारत की रोशनी बचा ली थी मगर उनकी कहानी यही खत्म नहीं हुई ये तो सिर्फ शुरुआत है आने वाली कल में भी दुश्मन को साजिश होगी पर जंगली अंजलि और तारा उनके लिए सफेदना कहानी को अलग करती है वो दो महिलाओं द्वारा अपरपरा भूमिका निभाने का ताजा दृश्य है उनकी प्रतिमत्ता और साहस के सबसे बड़े हथियार है उन्हें कार्य करते हुए देख कर आपको विश्वास हो जाए कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम है लेखक निर्देशक सर्वेश मरोरा ये पुरुषों का प्रेम सम्बन्धो या बचाव की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के रूप में सहायक भूमिका में धकेल कर स्थिति बदल दी जाती है जो एक स्वागत बदलाव है हालांकि कभी कभी एक तेजस की बहादुरी अतिरिक्त और थोपी हुई महसूस हो सकती है एक पुरुष पायलट के साथ उसका सत्ता संघर्ष एक गुंडे को हराने की उनकी क्षमता और आदिवासी आदिवासियों के साथ उनके मुठभेड़ उसे उदाहरण अत्याधिक लग सकते हैं फिल्म का उदाहरण अनुसरण करना चुनौतीपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो अतीत और वर्तमान समय सीमा के बीच बदलते रहते हैं जैसे जैसे कहानी सामने आती है कुछ दृश्य अचानक लगते हैं और अधिक सामंजस्यपूर्ण पटकथा होती है दरअसल मुख्य बचाव अभियान शुरू होते के बाद हाई ऑक्सीजन एक्शन दृश्यों के साथ फिल्म वास्तव में रोमांचकारी हो जाती है दुर्भाग्य से आसना आतंकवादी हमले के बारे में एक समांतरण कहानी ध्यान भटकाने वाली साबित होती है फोटोग्राफी के निर्देशक हरी के वे दृश्य रूप में रूप से मनोरम कल्पना प्रस्तुत करते हैं जो रेगिस्तानी सेटिंग्स में हवाई हमले उड़ानों और लड़ाई के दृश्यों को प्रभावित ढंग से कैंसर करती है फिल्म एक्शन विभाग में उत्कृष्ट है जिसमें कंगना रनौत ने सहजता से एक लड़ाकू पायलट की भूमिका निभाई है और धन शानदार एक्शन दृश्यों और भावनात्मक रूप से उत्साहित क्षण दिए हैं तेजस के तेज लेकिन योग के वफादार ये पायलट का किरदार निभा रहे हैं अंशुल चौहान ने प्रभावशाली प्रदर्शन किए हैं शाश्वत सचदेव का संगीत विशेष रूप से अरिजीत सिंह की प्रस्तुति जैसे जानदा ऊर्जा और विजय गान आ रही अड़ी एक आकर्षक के रूप में सामने आते हैं जिसमें देशभक्ति फिल्म रक्षा नाटक को प्रदर्शनों का संवाद आ सकती है हालांकि एक मजबूत कहानी और कड़ी पटकथा ने फिल्म के प्रभाव को बढ़ा दिया होगा इस रोमांचकर फिल्म की प्रेरणा दो हजार में लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय से मिली है जब भारतीय वायुसेना ने उद्युक्त स्थितियों में महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे फिल्म की नायिका तेजस गिल अग्रणी महिलाओं में से एक है जो लड़ाकू विमान उड़ाने और अपने देश की सेवा करने की दृढ़ संकल्प के साथ पुरुष प्रधान क्षेत्र को तोड़ती है अपनी तेज वृद्धि और बहादुरी से तेजस अपने प्रतिष्ठा को अपने स पायलट अफिया अंशुल चौहान दर अभिनेता के साथ एक बंधक को छुड़ाने के मिशन पर भेजने के लिए मना लेते हैं फिल्म से तेजस के साहसी कारनामों अपने देश के प्रति उनके अटूट प्रेम और क्या वो अपने मिशन के सफल होंगी बिगड़ करती है तेजस फिल्म को आलोचकों ने खूब फाड़ा है एटन टोमोटोज ने इसे केवल 10 प्रतिशत का स्कोर मिला है जो 10 समीक्षकों और टू पॉइंट टेन की औसत रेटिंग पर आधारित है एन टीवी केवगल चैटर्जी ने फिल्म को पाँच में से वन स्टार दिया तेजस एक ऐसी फिल्म है जो शुरू से ही खराब मौसम के फंसी जाती है और कभी बाहर निकालने का रास्ता नहीं खोज पाती एक हवाई युद्ध थ्रिलर कभी इतनी हवा हवाई नहीं रही हालांकि अभी भी प्रतिक्रिया इतनी नकारात्मक नहीं था द टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने पांच में से तीस स्टार दिए और लिखा कहानी के आगे बढ़ने के साथ कुछ सिक्वेंस अचानक से टूटे हुए लगते हैं और आप एक अधिक संगत स्क्रीन प्ले की कामना करते हैं हालांकि फिल्म एक बार मुख्य बचाव अभियान शुरू होने के बाद रोमांचक हो जाती है और कुछ हाई ऑक्सटेन एक्शन दृश्यों पेश करती है उन्होंने रनत को भावुक दृश्यों के तरह ही सहजता से एक्शन करते का प्रशंसा की कुछ समीक्षकों ने फिल्म के दूसरे भाग की तारीफ करते हुए उसे अंधे अधूरेपन का शिकार बताया हिंदुस्तान टाइम्स के समर्थन गोयल ने तेजस को आपको आसमान और भू राजनीति के रोमांचक सफर पर ले जाती है वाली फिल्म रूप में वर्णित किया जो तनाव और प्रत्याशा के क्षणों को बताने का सफल होती है समीक्षा ने पहले हाफ को फुटेज का एक अनियंत्रित देर बताया लेकिन फिल्म को दूसरे हाफ में अपना संतुलन हासिल करने का श्रेय दिया जहाँ ये एक प्रशंसनीय लहेज को बनाए रखने की है जो कभी भी तेज और सुचारू नहीं होती फिल्म फेयर के निष्कर्ष निकाला जबकि तेजस युद्ध भूमिकाओं के महिलाओं के समावेश को बढ़ापा देने का एक साहसी प्रयास है लेकिन फिल्म का अधिकारन उसके धनेश प्रभाव और कम कर देता है सुब्र गुप्ता ने फिल्म को आंखों को घुमाने वाले क्षणों का एक श्रृंखला के रूप में पैन किया लेकिन उन्होंने रौनक को प्रशंसा की जिनकी अभिनय क्षमता सबसे कमजोर दिशो में से चमकती है कुल मिलाकर तेजस को भले ही कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली हो लेकिन अधिकांश आलोचकों ने इसे कमजोर कहानी असंगत स्क्रीन प्ले और के अथानक के लिए नकारा है फिल्म अपने देशभक्ति के संदेश और कंगना और नाथ के प्रदर्शन के कुछ दर्शकों को आकर्षक कर सकती है लेकिन कमजोरियों के कारण अधिकांश लोगों के लिए ये उड़ान भरने में असफल रहता है हिमाचल की चट्टानों से भी ज्यादा देर आकाश के शहर गरजता शोर वही तो है बहादुर सैनिक और जब बात आए इससे देश की रक्षा की तो पहली कड़ी बतना ये एक ऐसा हौसला जिसके पंख खोल दे तो दुश्मन कांप उठे तेजस तो ऐसे ही एक कुशल वायुसेना पायलट की कहानी है जिसके लहू में बिरता और हवा में उड़ान समाये हुए है पहाड़ों की गोद में छिपे दुर्गम किले के ऊपर आकाश चिरती हुई दो धातु की चीले उड़ रही थी एक थे वायुसेना के सुरबीर बेटा कमांडर अंजलि सिंह और उनके साथ उनकी पक्की साथी को पायलट तारा देवी मगर आज उनका मिशन किसी सामान्य उड़ान से कैसी दूर था राष्ट्र की सुरक्षा खतरे से भी अंजलि और तारा एक खतरे से नष्ट करने के लिए निकलते थे एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डॉक्टर राय चौधरी को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था ये कोई मामूली अपहरण नहीं था डॉक्टर राय चौधरी ने देश की सुरक्षा के लिए एक आधुनिकता अधिक हथियार का निर्माण किया था और आतंकवादी उसी हथियार का इस्तेमाल एक हथानक हमले का योजना कर रहे थे भारत मंडराए इस तूफान को शांत करने का जिम्मा अंजलि और तारा के अंधों पर था चारों और दुर्भाग्य घटिया और सतर्क आतंकवादी थे हर कदम सत्रों से भरा था मर्डर और दुश्मन से लड़ाकू विमान मंडरा रहे होते जमीन पर घात लगाए बंदूकधारी बोलो की छिपे थे और अंजलि और तारा डरते रहे थे ये वो लंबे थे जो लिए वो तपस्या करके आई थी तेज तार से गुजर और करते हुए उनके लड़ाकू विमान ने किले की और गोता लगाया आसमान और धरती के बीच के घासमान युद्ध हुआ अंजलि की सूक्ष्म और तारा का निपुण संचालन दर्शकों को धूल चटा रहा था उनके फायर एंड फायरेड मिसाइलों ने आतंकवादियों के ठिकानों को धुआं कर दिया और दुश्मन के लड़ाकू विमानों का उनके ही जमीन पर धराशाई कर दिया किले के अंदर अंजलि और तारा के पोरा टर की तरह छलांग लगाई हथियारों के गरगराहट के बीच बंदूकधारियों के एक-एक करके कर आगे बढ़ रही थी हर धमाका हर चीज उनके यادदेव को और मजबूत कर रहा था आखिरकार वो डॉक्टर राय चौधरी तक पहुंच गई वो कमजोर लेकिन हौसले से भरे हुए थे उन्हें बचाकर वापस विमान तक पहुंचाना उसकी मुश्किल थी आतंकवादी का अंतिम हमला हुआ लेकिन अंजलि और तारा डटी रही उनके हौसले के आगे आतंकवादियों को शंसा टूट गई विमान में सुरक्षित बैठ डॉक्टर राय चौधरी की आंखों में भारत की आशा झलक रही थी अंजलि और तारा ने न सिर्फ एक बंधक को बचाया था बल्कि एक बड़े हमले को भी नाकाम कर दिया था उनके बहादुरी के किस्से गगन में गूंज रहे थे वो दो रहती रोशनी ही जिन्होंने घातक के अंधेरे में भारत की रोशनी बचा ली थी मगर उनकी कहानी यही खत्म नहीं हुई ये तो सिर्फ शुरुआत है आने वाली कल में भी दुश्मन को साजिश होगी पर जंगली

हर्बेश मनोरा ये पुरुषों का प्रेम संबंधों या बचाव की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के रूप में सहायक भूमिका में धकेल कर स्थिति बदल दी जाती है जो एक स्वागत योग्य बदलाव है हालांकि कभी कभी एक तेजस की बहादुरी अतिरिक्त और थोपी हुई महसूस हो सकती है एक पुरुष पायलट के साथ उसका सत्ता संघर्ष एक गुंडे को हराने की उनकी क्षमता और आदिवासी आदिवासियों के साथ उनके मुठभेड़ उसे उदाहरण अत्याधिक लग सकते हैं फिल्म का उदाहरण अनुसरण कर चुनौतीपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो अतीत और वर्तमान समय सीमा के बीच बदलते रहते हैं जैसे जैसे कहानी सामने आती है कुछ दृश्य अचानक लगते हैं और अधिक सामंजस्यपूर्ण पटकथा होती है दरअसल मुख्य बचाव अभियान शुरू होने के बाद हाई ऑक्सीजन एक्शन दृश्यों के साथ फिल्म वास्तव में रोमांचकारी हो जाती है दुर्भाग्य से आसना आतंकवादी हमले के बारे में एक समांतरण कहानी ध्यान भटकाने वाली साबित होती है फोटोग्राफी के निर्देशक हरी के वे दृश्य रूप में रूप से मनोरम कल्पना प्रस्तुत करते हैं जो रेगिस्तानी सेटिंग्स में हवाई हमले उड़ानों और लड़ाई के दृश्यों को प्रभावित ढंग से कैनचर करती है फिल्म एक्शन विभाग में उत्कृष्ट है जिसमें कंगना रनौत ने सहजता से एक लड़ाकू पायलट की भूमिका निभाई है और धन शानदार एक्शन दृश्यों और भावनात्मक रूप से उत्साहित क्षण दिए हैं तेजस के तेज लेकिन वियोग के वफादार ये पायलट का किरदार निभा रहे हैं अंशुल चौहान ने प्रभावशाली प्रदर्शन किए हैं शाश्वत सचदेव का संगीत विशेष रूप से अरिजीत सिंह की प्रस्तुति जैसे जानदा ऊर्जाबान रंजान और विजय गान आ रही अड़ी एक आकर्षक के रूप में सामने आते हैं जिसमें देशभक्ति फिल्म रक्षा नाटक प्रदर्शनों का संवाद आ सकती है हालांकि एक मजबूत कहानी और कड़ी पटकथा ने फिल्म के प्रभाव को बढ़ा दिया होगा इस रोमांचक फिल्म की प्रेरणा दो में लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय से मिली है जब भारतीय वायुसेना ने उद्युक्त स्थितियों में महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे फिल्म की नायिका तेजस गिल अग्रणी महिलाओं में से एक है जो लड़ाकू विमान उड़ाने और अपने देश की सेवा करने की दृढ़ संकल्प के साथ पुरुष प्रधान क्षेत्र को तोड़ती है अपनी तेज वृद्धि और बहादुरी से तेजस अपने प्रतिष्ठा को अपने स पायलट अफिया अंशुल चौहानधर अभिनेता के साथ एक बंधक को छुड़ाने के मिशन पर भेजने के लिए मना लेते हैं फिल्म से तेजस के साहसी कारनामों अपने देश के प्रति उनके अटूट प्रेम और क्या वो अपने मिशन के सफल होंगी बिगड़ करती है तेजस फिल्म को आलोचकों ने खूब फाड़ा है एटन टमोटोज ने इसे केवल 10 प्रतिशत का स्कोर मिला है जो 10 समीक्षकों और 2.10 पॉइंट टेन की औसत रेटिंग पर आधारित है एन टीवी के शुकल चैटर्जी ने फिल्म को पांच में से वन स्टार दी और लिखा तेजस एक ऐसी फिल्म है जो शुरू से ही खराब मौसम के फंसी जाती है और कभी बाहर निकालने का रास्ता नहीं खोज पाती एक हवाई युद्ध थ्रिलर कभी इतनी हवा हवाई नहीं रही हालांकि अभी भी प्रतिक्रिया इतनी नकारात्मक नहीं था द टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने पांच में से तीस स्टार दिए और लिखा कहानी के आगे बढ़ने के साथ कुछ सीक्वेंस अचानक से टूटे हुए लगते हैं और आप एक अधिक संगत स्क्रीन प्ले की कामना करते हैं हालांकि फिल्म एक बार मुख्य बचाव अभियान शुरू होने के बाद रोमांचक हो जाती है और कुछ हाई ऑक्सीडेंट एक्शन दृश्यों पेश करती है उन्होंने रनक को भावुक दृश्यों के तरह ही सहजता से एक्शन करते का प्रशंसा की कुछ समीक्षकों ने फिल्म के दूसरे भाग की तारीफ करते हुए उसे अंधे अधूरेपन का शिकार बताया हिंदुस्तान टाइम्स के समर्थन गोयल ने तेजस को आपको आसमान और भू राजनीति के रोमांचक सफर पर ले जाती है वाली फिल्म रूप में वर्णित किया जो तनाव और प्रत्याशा के क्षणों को बताने का सफल होती है समीक्षा ने पहले हाफ को फुटेज का एक अनियंत्रित बताया लेकिन फिल्म को दूसरे हाफ में अपना संतुलन हासिल करने का श्रेय दिया जहां ये एक प्रशंसनीय लहेज को बनाए रखने की है जो कभी भी तेज और सुचारू नहीं होती फिल्म फेयर के निष्कर्ष निकाला जबकि तेजस युद्ध भूमिकाओं के महिलाओं के समावेश को बढ़ापा देने का एक साहसी प्रयास है लेकिन फिल्म का अधिकार उसके धंदेश प्रभाव और कम कर देता है शुभ्र गुप्ता ने फिल्म को आंखों को घुमाने वाले क्षणों का एक श्रृंखला के रूप में पैन किया लेकिन उन्होंने रौनक को प्रशंसा की जिनकी अभिनय क्षमता सबसे कमजोर दिशो में से चमकती है कुल मिलाकर तेजस को भले ही कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली हो लेकिन अधिकांश आलोचकों ने इसे कमजोर कहानी असंगत स्क्रीन प्ले और अथानक के लिए नकारा है फिल्म अपने देशभक्ति के संदेश और कंगना और नाथ के प्रदर्शन के कुछ दर्शकों को आकर्षक कर सकती है लेकिन कमजोरियों के कारण अधिकांश लोगों के लिए ये उड़ान भरने में असफल रहता है हिमाचल की चट्टानों से भी ज्यादा देर आकाश के शहर गरजता शौर वही तो है बहादुर सैनिक और जब बात आए इससे देश की रक्षा की तो पहली कड़ी बतना ये एक ऐसा हौसला है जिसके पंख खोल दे तो दुश्मन कांप उठे काजस ऐसे ही एक कुशल वायुसेना पायलट की कहानी है जिसके लहू में बिरता और हवा में उड़ान समाये हुए हैं पहाड़ों की गोद में छिपे दुर्गम किले के ऊपर आकाश चिड़ती हुई दो धातु की चीले उड़ रही थी एक थे वायुसेना के सुरबीर बेटा कमांडर अंजलि सिंह और उनके साथ उनकी पक्की साथी को पायलट तारा देवी मगर आज उनका मिशन किसी सामान्य उड़ान से कैसी दूर था राष्ट्र की सुरक्षा खतरे से अंजलि और तारा एक खतरे से नष्ट करने के लिए निकलते थे एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डॉक्टर को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था यह कोई मामूली अपहरण नहीं था डॉक्टर ने देश की सुरक्षा के लिए एक आधुनिकता अधिक हथियार का निर्माण किया था और आतंकवादी उसी हथियार का इस्तेमाल एक हथानक हमले का योजना कर रहे थे भारत वनराय इस तूफान को शांत करने का जिम्मा अंजलि और ताला के अंधों पर था चारों और दुर्भाग्य घटिया और सतर्क आतंकवादी थे हर कदम सत्रों से भरा था मर्डर और दुश्मन से लड़ाकू विमान मंडरा रहे होते जमीन पर घात लगाए बंदूकधारी बोलो की छिपे थे और अंजलि और तारा डरते रहे थे ये ये बोल लंबे थे जो लिए तपस्या करके आई थी तेज रफ्तार से गुजर और करते हुए उनके लड़ाकू विमान ने किले की और गोता लगाया आसमान और धरती के बीच के घासमान युद्ध हुआ अंजलि की सूक्ष्म राजनीति और तारा का निपुण संचालन दर्शकों को धूल चटा रहा था उनके फायर एंड फायरेड मिसाइलों ने आतंकवादियों के ठिकानों को धुआं कर दिया और दुश्मन के लड़ाकू विमानों का उनके ही जमीन पर धराशायी कर दिया किले के अंदर अंजलि और तारा के पोरा टूम्पर की तरह छलांग लगाई हथियारों के गरगराहट के बीच बंदूकधारियों के एक-एक करके निशकियों कर आगे बढ़ रही थी हर धमाका हर चीज उनके इरादे को और मजबूत कर रहा था आखिरकार वो डॉक्टर राय चौधरी तक पहुंच गई वो कमजोर लेकिन हौसले से भरे हुए थे उन्हें बचाकर वापस विमान तक पहुंचाना उसकी मुश्किल थी आतंकवादी का अंतिम हमला हुआ लेकिन अंजलि और तारा डटी रही उनके हौसले के आगे आतंकवादियों को शंसा टूट गई विमान में सुरक्षित बैठ डॉक्टर राय चौधरी की आंखों में भारत की आशा झलक रही थी अंजलि और तारा ने न सिर्फ एक बंधक को बचाया था बल्कि एक बड़े हमले को भी नाकाम कर दिया था उनके बहादुरी के किस्से गगन में गूंज रहे थे वो दो रहती रोशनी ही उन्होंने घातक के अंधेरे में भारत की रोशनी बचा ली थी मगर उनकी कहानी यही खत्म नहीं हुई ये तो सिर्फ शुरुआत है आने वाली कल में भी दुश्मन को साजिश होगी पर जंगली

हरबेश मरोरा यह पुरुषों का प्रेम संबंधों या बचाव की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के रूप में सहायक भूमिका में धकेल कर स्थिति बदल दी जाती है जो एक स्वागत योग्य बदलाव है हालांकि कभी कभी एक तेजस की बहादुरी अतिरिक्त और थोपी हुई महसूस हो सकती है एक पुरुष पायलट के साथ उसका सत्ता संघर्ष एक गुंडे को हराने की उनकी क्षमता और आदिवासी आदिवासियों के साथ उनके मुठभेड़ उसे उदाहरण अत्याधिक लग सकते हैं फिल्म का उदाहरण अनुसरण करना चुनौतीपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो अतीत और वर्तमान समय सीमा के बीच बदलते रहते हैं जैसे जैसे कहानी सामने आती है कुछ दृश्य अचानक लगते हैं और अधिक सामंजस्यपूर्ण पटकथा वांछनीय होती है दरअसल मुख्य बचाव अभियान शुरू होते के बाद हाई ऑक्सीजन एक्शन दृश्यों के साथ फिल्म वास्तव में रोमांचकारी हो जाती है दुर्भाग्य से आसना आतंकवादी हमले के बारे में एक समांतरण कहानी ध्यान भटकाने वाली साबित होती है फोटोग्राफी के निर्देशक हरी के वेम दृश्य रूप में रूप से मनोरम कल्पना प्रस्तुत करते हैं जो रेगिस्तानी सेटिंग्स में हवाई हमले उड़ानों और लड़ाई के दृश्यों को प्रभावित ढंग से कैंसर करती है फिल्म एक्शन विभाग में उत्कृष्ट है जिसमें कंगना रनौत ने सहजता से एक लड़ाकू पायलट की भूमिका निभाई है और शानदार एक्शन दृश्य और भावनात्मक रूप से उत्साहित छंद दिए हैं तेजस के तेज लेकिन योग वफादार ये पायलट का किरदार निभा रहे हैं अंशुल चौहान ने प्रभावशाली प्रदर्शन किए हैं शाश्वत सचदेव का संगीत विशेष रूप से अरिजीत सिंह की प्रस्तुति जैसे जानदा उर्जाबान रंजान और विजय गान आ रही अड़ी एक आकर्षक के रूप में सामने आते हैं जिसमें देशभक्ति फिल्म रक्षा नाटक प्रदर्शनों का संवाद आ सकती है हालांकि एक मजबूत कहानी और कड़ी पटकथा ने फिल्म के प्रभाव को बढ़ा दिया होगा इस रोमांचक फिल्म की प्रेरणा दो में लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय से मिली है जब भारतीय वायुसेना ने उद्युक्त स्थितियों में महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे फिल्म की नायिका तेजस गिल अग्रणी महिलाओं में से एक है जो लड़ाकू विमान उड़ाने और अपने देश की सेवा करने की दृढ़ संकल्प के साथ पुरुष प्रधान क्षेत्रों को तोड़ती है अपनी तेज वृद्धि और बहादुरी से तेजस अपने प्रतिष्ठा को अपने सब पायलट अफिया अंशुलेजने के साथ एक को के के मिशन पर भेजने के लिए मना लेते हैं फिल्म से तेजस के साहसी कारनामों अपने देश के प्रति उनके अटूट प्रेम और क्या वो अपने मिशन के सफल होंगी बिगड़ करती है तेजस फिल्म को आलोचकों ने खूब फाड़ा है एटन टोमोटो ने इसे केवल 10 प्रतिशत का स्कोर मिला है जो 10 समीक्षकों और 2.10 की औसत रेटिंग पर आधारित है एल टीवी के फिल्म को पाँच में से वन स्टार दी और लिखा तेजस एक ऐसी फिल्म है जो शुरू से ही खराब मौसम के फंसी जाती है और कभी बाहर निकालने का रास्ता नहीं खोज पाती एक हवाई युद्ध थ्रिलर कभी इतनी हवा हवाई नहीं रही हालांकि अभी भी प्रतिक्रिया इतनी नकारात्मक नहीं था द टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने पांच में से तीस स्टार दिए और लिखा कहानी के आगे बढ़ने के साथ कुछ स्वीकेंस अचानक से टूटे हुए लगते हैं और आप एक अधिक संगत स्क्रीन प्ले की कामना करते हैं हालांकि फिल्म एक बार मुख्य बचाव अभियान शुरू होने के बाद रोमांचक हो जाती है और कुछ हाई ऑक्सटेन एक्शन दृश्य पेश करती है उन्होंने रनक को भावुक दृश्यों की तरह ही सहजता से एक्शन करते का प्रशंसा की कुछ समीक्षकों ने फिल्म के दूसरे भाग की तारीफ करते हुए उसे अंधे अधूरेपन का शिकार बताया हिंदुस्तान टाइम्स तो आश, के समर्थन गोयल ने तेजस को आपको आसमान और भू राजनीति के रोमांचकर सफर पर ले जाती है वाली फिल्म रूप में वर्णित किया जो तनाव और प्रत्याशा के क्षणों को बताने का सफल होती है समीक्षा ने पहले हाफ को फुटेज का एक अनियंत्रित डेर बताया लेकिन फिल्म को दूसरे हाफ में अपना संतुलन हासिल करने का श्रेय दिया जहां ये एक प्रशंसनीय लहेज को बनाए रखने की है जो कभी भी तेज और सुचारू नहीं होती फिल्म फेयर के निष्कर्ष निकाला जबकि तेजस युद्ध भूमिकाओं के महिलाओं के समावेश को बढ़ापा देने का एक साहसी प्रयास है लेकिन फिल्म का अधिकार उसके धनदेश प्रभाव और कम कर देता है शुभ्र गुप्ता ने फिल्म को आंखों को घुमाने वाले क्षणों का एक श्रृंखला के रूप में पैन किया लेकिन उन्होंने रौनक को प्रशंसा की जिनकी अभिनय क्षमता सबसे कमजोर दृश्यों में से चमकती है कुल मिलाकर तेजस को भले ही कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली हो लेकिन अधिकांश आलोचकों ने इसे कमजोर कहानी असंगत स्क्रीन प्ले और अदब के अथानक के लिए नकारा है फिल्म अपने देशभक्ति के संदेश और कंगना और नाथ के प्रदर्शन के कुछ दर्शकों को आकर्षक कर सकती है लेकिन कमजोरियों के कारण अधिकांश लोगों के लिए ये उड़ान भरने में असफल रहता है हिमाचल की चट्टानों से भी ज्यादा देर आकाश के शहर गरजता शौर वही तो है बहादुर सैनिक और जब बात आए इससे देश की रक्षा की तो पहली कड़ी बतना ये एक ऐसा हौसला जिसके पंख खोल दे तो दुश्मन कांप उठे तेजस तो ऐसे ही एक कुशल वायुसेना पायलट की कहानी है जिसके लहू में बिरता और हवा में उड़ान समाये हुए है पहाड़ों की गोद में छिपे दुर्गम किले के ऊपर आकाश चिरती हुई दो धातु की चीले उड़ रही थी एक थे वायुसेना के सुरबीर बेटा कमांडर अंजलि सिंह और उनके साथ उनकी पक्की साथी को पायलट तारा देवी मगर आज उनका मिशन किसी सामान्य उड़ान से कैसी दूर था राष्ट्र की सुरक्षा खतरे से भी अंजलि और तारा एक खतरे से नष्ट करने के लिए निकलते थे एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डॉक्टर राय चौधरी को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था यह कोई मामूली अपहरण नहीं था डॉक्टर राय चौधरी ने देश की सुरक्षा के लिए एक आधुनिकता अधिक हथियार का निर्माण किया था और आतंकवादी उसी हथियार का इस्तेमाल एक हथानक हमले का योजना कर रहे थे भारत मंडराए इस तूफान को शांत करने का जिम्मा अंजलि और तारा के अंधों पर था चारों और दुर्भाग्य घटिया और सतर्क आतंकवादी थे हर कदम सत्रों से भरा था मर्डर और दुश्मन से को विमान मंडरा रहे होते जमीन पर घात लगाए बंदूकधारी बोलो की छिपे थे और अंजलि और तारा डरते रहे थे ये वो लंबे थे जो लिए वो तपस्या करके आई थी तेज से गुजर और करते हुए उनके लड़ाकू विमान ने किले की और गोता लगाया आसमान और धरती के बीच के घसाबान युद्ध हुआ अंजलि की सूक्ष्म और तारा का निपुण संचालन दर्शकों को धूल चटा रहा था उनके फायर एंड फायरेड मिसाइलों ने आतंकवादियों के ठिकानों को धुआं कर दिया और दुश्मन के लड़ाकू विमानों का उनके ही जमीन पर धराशाई कर दिया किले के अंदर अंजलि और तारा के पोरा टूम्पर की तरह छलांग लगाई गड़गड़ाहट के, के बीच बंदूकधारियों के एक एक करके कर आगे बढ़ रही थी हर धमाका हर चीज उनके दियादे को और मजबूत कर रहा था आखिरकार वो डॉक्टर राय चौधरी तक पहुँच गई वो कमजोर लेकिन हौसले से भरे हुए थे उन्हें बचाकर वापस विमान तक पहुँचाना उसकी मुश्किल थी आतंकवादी का अंतिम हमला हुआ लेकिन अंजलि और तारा डटी रही उनके हौसले के आगे आतंकवादियों को शंसा टूट गई विमान में सुरक्षित बैठ डॉक्टर राय चौधरी की आंखों में भारत की आशा झलक रही थी अंजलि और तारा ने न सिर्फ एक बंधक को बचाया था बल्कि एक बड़े हमले को भी नाकाम कर दिया था उनके बहादुरी के किस्से गगन में गूंज रहे थे वो दो रहती रोशनी ही इन्होंने घातक के अंधेरे में भारत की रोशनी बचा ली थी मगर उनकी कहानी यही खत्म नहीं हुई ये तो सिर्फ शुरुआत है आने वाली कल में भी दुश्मन को साजिश होगी पर जंगली अंजलि और तारा उनके लिए सफेद तूफान बनकर खड़ी रहेंगी भारतीय वायुसेना के बेटी अष्टों तो की गौरव आकाश की वीरसंगरा वीरंगना कहानी यहीं से सितारों तक जाती है जो बात इस फिल्म को अलग करती है वो दो द्वारा उदरा अपरंपरा भूमिका निभाने का ताजा दृश्य है उनकी प्रतिमुत्ता और साहस के सबसे बड़े हथियार है उन्हें कार्य करते हुए देखकर आपको विश्वास हो जाएगा कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं लेकिन निर्देशक हरबेश मरोरा ये पुरुषों का प्रेम सम्बन्धो या बचाव की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के रूप में सहायक भूमिका में धकेल कर स्थिति बदल दी जाती है जो एक स्वागत योग बदलाव है हालांकि कभी कभी एक तेजस की बहादुरी अतिरिक्त और थोपी हुई महसूस हो सकती है एक पुरुष पायलट के साथ उसका सत्ता संघर्ष एक गुंडे को हराने की उनकी क्षमता और आदिवासी आदिवासियों के साथ उनके मुठभेड़ उसे उदाहरण अत्याधिक लग सकते हैं फिल्म का उदाहरण अनुसरण करना चुनौतीपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो अतीत और वर्तमान समय सीमा के बीच बदलते रहते हैं जैसे जैसे कहानी सामने आती है कुछ दृश्य अचानक लगते हैं और अधिक सामंजस्यपूर्ण पटकथा वांछनीय होती है दरअसल मुख्य बचाव अभियान शुरू होते के बाद हाई ऑक्सीजन एक्शन दृश्यों के साथ फिल्म वास्तव में रोमांचकारी हो जाती है दुर्भाग्य से आसना आतंकवादी हमले के बारे में एक समांतरण कहानी ध्यान भटकाने वाली साबित होती है फोटोग्राफी के निर्देशक हरी के वेम दृश्य रूप में रूप से मनोरम कल्पना प्रस्तुत करते हैं जो रेगिस्तानी सेटिंग्स में हवाई हमले उड़ानों और लड़ाई के दृश्यों को प्रभावित ढंग से कैंसर करती है फिल्म एक्शन विभाग में उत्कृष्ट है जिसमें कंगना रनौत ने सहजता से एक लड़ाकू पायलट की भूमिका निभाई है और शानदार एक्शन दृश्यों और भावनात्मक रूप से उत्साहित क्षण दिए हैं तेजस के तेज लेकिन योग के वफादार ये पायलट का किरदार निभा रहे हैं अंशुल चौहान ने प्रभावशाली प्रदर्शन किए हैं शाश्वत सचदेव का संगीत विशेष रूप से अरिजीत सिंह की प्रस्तुति जैसे जानदा उर्जावान रंजान और विजय गान आ रही अड़ी एक आकर्षक के रूप में सामने आते हैं जिसमें देशभक्ति फिल्म रक्षा नाटक को प्रदर्शनों का संवाद आ सकती है हालांकि एक मजबूत कहानी और कड़ी पटकथा ने फिल्म के प्रभाव को बढ़ा दिया होगा इस रोमांचकर फिल्म की प्रेरणा दो में लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय से मिली है जब भारतीय वायुसेना ने उद्युक्त स्थितियों में महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे फिल्म की नायिका तेजस गिल अग्रणी महिलाओं में से एक है जो लड़ाकू विमान उड़ाने और अपने देश की सेवा करने की दृढ़ संकल्प के साथ पुरुष प्रधान क्षेत्रों को तोड़ती है अपनी तेज वृद्धि और बहादुरी से तेजस अपने प्रतिष्ठा को अपने स पायलट अफिया अंशुल चौहानधर अभिनेता के साथ एक बंधक को छुड़ाने के मिशन पर भेजने के लिए मना लेते हैं फिल्म से तेजस के साहसी कारनामों अपने देश के प्रति उनके अटूट प्रेम और क्या वो अपने मिशन के सफल होंगी बिगड़ करती है तेजस फिल्म को आलोचकों ने खूब फाड़ा है एटन टोमोटो ने इसे केवल 10 प्रतिशत का स्कोर मिला है जो 10 समीक्षकों और 2.10 पॉइंट की औसत रेटिंग पर आधारित है एन टीवी के शवकल चैटर्जी ने फिल्म को पांच में से वन स्टार दी और लिखा तेजस एक ऐसी फिल्म है जो शुरू से ही खराब मौसम के फंसी जाती है और कभी बाहर निकालने का रास्ता नहीं खोज पाती एक हवाई युद्ध थ्रिलर कभी इतनी हवा हवाई नहीं रही हालांकि अभी भी प्रतिक्रिया इतनी नकारात्मक नहीं था द टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने पांच में से तीस स्टार दिए और लिखा कहानी के आगे बढ़ने के साथ कुछ सीक्वेंस अचानक से टूटे हुए लगते हैं और आप एक अधिक संगत स्क्रीन प्ले की कामना करते हैं हालांकि फिल्म एक बार मुख्य बचाव अभियान शुरू होने के बाद रोमांचक हो जाती है और कुछ हाई ऑक्सटेन एक्शन दृश्यों पेश करती है उन्होंने रनक को भावुक दृश्यों के तरह ही सहजता से एक्शन करते का प्रशंसा की कुछ समीक्षकों ने फिल्म के दूसरे भाग की तारीफ करते हुए उसे अंधे अधूरेपन का शिकार बताया हिंदुस्तान टाइम्स के समर्थन गोयल ने तेजस को आपको आसमान और भू राजनीति के रोमांचक सफर पर ले जाती है वाली फिल्म रूप में वर्णित किया जो तनाव और प्रत्याशा के क्षणों को बताने का सफल होती है समीक्षा ने पहले हाफ को फुटेज का एक अनियंत्रित डेर बताया लेकिन फिल्म को दूसरे हाफ में अपना संतुलन हासिल करने का श्रेय दिया जहां ये एक प्रशंसनीय लहेज को बनाए रखने की है जो कभी भी तेज और सुचारू नहीं होती फिल्म प्यार के निष्कर्ष निकाला जबकि तेजस युद्ध भूमिकाओं के महिलाओं के समावेश को बढ़ावा देने का एक साहसी प्रयास है लेकिन फिल्म का उसके धनदेश प्रभाव और कम कर देता है सुब्र गुप्ता ने फिल्म को आंखों को घुमाने वाले क्षणों का एक श्रृंखला के रूप में पैन किया लेकिन उन्होंने रौनत को प्रशंसा की जिनकी अभिनय क्षमता सबसे कमजोर दिशो में से चमकती है कुल मिलाकर तेजस को भले ही कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली हो लेकिन अधिकांश आलोचकों ने इसे कमजोर कहानी असंगत स्क्रीन प्ले और अदब के अथानक के लिए नकारा है फिल्म अपने देशभक्ति के संदेश और कंगना और नाथ के प्रदर्शन के कुछ दर्शकों को आकर्षित कर सकती है लेकिन कमजोरियों के कारण अधिकांश लोगों के लिए ये उड़ान भरने में असफल रहता है हिमाचल की चट्टानों से भी ज्यादा दर आकाश के शहर गरजता शोर वही तो है बहादुर सैनिक और जब बात आए इससे देश की रक्षा की तो पहली कड़ी बतना ये एक ऐसा हौसला है जिसके पंख खोल दे तो दुश्मन कांप उठे तेजस तो ऐसे ही एक कुशल वायुसेना पायलट की कहानी है जिसके लहू में बिरता और हवा में उड़ान समाये हुए है पहाड़ों की गोद में छिपे दुर्गम किले के ऊपर आकाश चिड़ती हुई दो धातु की चीले उड़ रही थी एक थे के बेटा कमांडर अंजलि सिंह और उनके साथ उनकी पक्की साथी को पायलट तारा देवी मगर आज उनका मिशन किसी सामान्य उड़ान से कैसी दूर था राष्ट्र की सुरक्षा खतरे से भी अंजलि और तारा एक खतरे से नष्ट करने के लिए निकलते थे एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डॉक्टर राय चौधरी को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था यह कोई मामूली अपहरण नहीं था डॉक्टर राय चौधरी ने देश की सुरक्षा के लिए एक आधुनिकता अधिक हथियार का निर्माण किया था और आतंकवादी उसी हथियार का इस्तेमाल एक हथानक हमले का योजना कर रहे थे भारत मंडराय इस तूफान को शांत करने का जिम्मा अंजलि और ताला के अंधों पर था चारों ओर दुर्भाग्य घटिया और सतर्क आतंकवादी थे हर कदम सत्रों से भरा था मर्डर और दुश्मन से लड़ाकू विमान मंडरा रहे होते जमीन पर घात लगाए बंदूकधारी बोलो की छिपे थे और अंजलि और तारा डरते रहे थे ये वो लंबे थे जो लिए तपस्या करके आई थी तेज रफ्तार से गुजर और करते हुए उनके लड़ाकू विमान ने किले की और गोता लगाया आसमान और धरती के बीच के घासाम युद्ध हुआ अंजलि की सूक्ष्म राजनीति और तारा का निपुण संचालन दर्शकों को धूल चटा रहा था उनके फायर एंड एंड फायरेट मिसाइलों ने आतंकवादियों के ठिकानों को धुआं कर दिया और दुश्मन के लड़ाकू विमानों का उनके ही जमीन पर धराशायी कर दिया किले के अंदर अंजलि और तारा के पुरान टूम्पर की तरह छलांग लगाई हथियारों के गड़गड़ाहट गर के बीच बंदूकधारियों के एक एक करके निष्क्रियो कर आगे बढ़ रही थी हर धमाका हर चीज उनके इरादे को और मजबूत कर रहा था आखिरकार वो डॉक्टर राय चौधरी तक पहुंच गई वो कमजोर लेकिन हौसले से भरे हुए थे उन्हें बचाकर वापस विमान तक पहुंचाना उसकी मुश्किल थी आतंकवादी का अंतिम हमला हुआ लेकिन अंजलि और तारा डटी रही उनके हौसले के आगे आतंकवादियों को शंसा टूट गई विमान में सुरक्षित बैठ डॉक्टर राय चौधरी की आंखों में भारत की आशा झलक रही थी अंजलि और तारा ने न सिर्फ एक बंधक को बचाया था बल्कि एक बड़े हमले को भी नाकाम कर दिया था उनके बहादुरी के किस्से गगन में गूंज रहे थे वो दो रहती रोशनी ही इन्होंने घातक के अंधेरे में भारत की रोशनी बचा ली थी मगर उनकी कहानी यही खत्म नहीं हुई ये तो सिर्फ शुरुआत है आने वाली कल में भी दुश्मन को साजिश होगी पर जंगली अंजलि और तारा उनके लिए सफेद तूफान बनकर खड़ी रहेंगी भारतीय वायुसेना के बेटियों राज काष्टों की गौरव आकाश की वीरंगना कहानी यहीं से सितारों तक जाती है जो बात इस फिल्म को अलग करती है वो दो महिलाओं द्वारा अपरंत पड़ा भूमिका निभाने का ताजा दृश्य है उनकी प्रतिमत्ता और साहस के सबसे बड़े हथियार है उन्हें कार्य करते हुए देखकर आपको विश्वास हो जाए कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम है लेखक निर्देशक सर्वेश मरोरा ये पुरुषों का प्रेम सम्बन्धो या बचाव की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के रूप में सहायक भूमिका में धकेल कर स्थिति बदल दी जाती है जो एक स्वागत बदलाव है हालांकि कभी कभी एक तेजस की बहादुरी अतिरिक्त और थोपी हुई महसूस हो सकती है एक पुरुष पायलट के साथ उसका सत्ता संघर्ष एक गुंडे को हराने की उनकी क्षमता और आदिवासी आदिवासियों के साथ उनके मुठभेड़ उसे उदाहरण अत्याधिक लग सकते हैं फिल्म का उदाहरण अनुसरण करना चुनौतीपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो अतीत और वर्तमान समय सीमा के बीच बदलते रहते हैं जैसे जैसे कहानी सामने आती है कुछ दृश्य अचानक लगते हैं और अधिक सामंजस्यपूर्ण पटकथा होती है दरअसल मुख्य बचाव अभियान शुरू होते के बाद हाई ऑक्सीजन एक्शन दृश्यों के साथ फिल्म वास्तव में रोमांचकारी हो जाती है दुर्भाग्य से आसना आतंकवादी हमले के बारे में एक समांतरण कहानी ध्यान भटकाने वाली साबित होती है फोटोग्राफी के निर्देशक हरी के वेम दृश्य रूप में रूप ऐसी मनोरम कल्पना प्रस्तुत करते हैं जो रेगिस्तानी सेटिंग्स में हवाई हमले उड़ानों और लड़ाई के दृश्यों को प्रभावित ढंग से कैंसर करती है फिल्म एक्शन विभाग में उत्कृष्ट है जिसमे कंगाथ ने सहजता से एक लड़ाकू पायलट की भूमिका निभाई है और शानदार एक्शन दृश्य और भावनात्मक रूप से उत्साहित क्षण दिए हैं तेजस के तेज लेकिन योग के वफादार ये पायलट का किरदार निभा रहे हैं अंशुल चौहान ने प्रभावशाली प्रदर्शन किए हैं शाश्वत सचदेव का संगीत विशेष रूप से अरिजीत सिंह की प्रस्तुति जैसे जानदा उर्जाबान रंजान और विजय गान आ रही अड़ी एक आकर्षक के रूप में सामने आते हैं जिसमें देशभक्ति फिल्म रक्षा नाटक को प्रदर्शनों का संवाद आ सकती है हालांकि एक मजबूत कहानी और कड़ी पटकथा ने फिल्म के प्रभाव को बढ़ा दिया होगा इस रोमांचक फिल्म की प्रेरणा दो में लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय से मिली है जब भारतीय वायुसेना ने उद्युक्त स्थितियों में महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे फिल्म की नायिका तेजस गिल अग्रणी महिलाओं में से एक है जो लड़ाकू विमान उड़ाने और अपने देश की सेवा करने की दृढ़ संकल्प के साथ पुरुष प्रधान क्षेत्रों को तोड़ती है अपनी तेज वृद्धि और बहादुरी से तेजस अपने प्रतिष्ठा को अपने सह पायलट अफिया अंशुल चौहानधर अभिनेता के साथ एक बंधक को छुड़ाने के मिशन पर भेजने के लिए मना लेते हैं फिल्म से तेजस के साहसी कारनामों अपने देश के प्रति उनके अटूट प्रेम और क्या वो अपने मिशन के सफल होंगी करती है। तेजस फिल्म को आलोचकों ने खूब फाड़ा है एटन टोमोटोज ने इसे केवल दस प्रतिशत का स्कोर मिला है जो दस समीक्षकों और टू पॉइंट की औसत रेटिंग पर आधारित है एन टीवी के शेवकल चैटर्जी ने फिल्म को पाँच में से वन स्टार दी और लिखा तेजस एक ऐसी फिल्म है जो शुरू से ही हवा खराब मौसम के फंसी जाती है और कभी बाहर निकालने का रास्ता नहीं खोज पाती एक हवाई युद्ध थ्रिलर कभी इतनी हवा हवाई नहीं रही हालांकि अभी भी प्रतिक्रिया इतनी नकारात्मक नहीं था द टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने पांच में से तीस स्टार दिए और लिखा कहानी के आगे बढ़ने के साथ कुछ सिक्वेंस अचानक से टूटे हुए लगते हैं और आप एक अधिक संगत स्क्रीन प्ले की कामना करते हैं हालांकि फिल्म एक बार बचाव अभियान शुरू होने के बाद रोमांचक हो जाती है और कुछ हाई ऑक्सटेन एक्शन दृश्यों पेश करती है उन्होंने रनत को भावुक दृश्यों के तरह ही सहजता से एक्शन करते का प्रशंसा की कुछ समीक्षकों ने फिल्म के दूसरे भाग की तारीफ करते हुए उसे अंधे अधूरेपन का शिकार बताया हिंदुस्तान टाइम्स के समर्थन गोयल ने तेजस को आपको आसमान और भू राजनीति के रोमांचक सफर पर ले जाती है वाली फिल्म रूप में वर्णित किया जो तनाव और प्रत्याशा के क्षणों को बताने का सफल होती है समीक्षा ने पहले हाफ को फुटेज का एक अनियंत्रित देर बताया लेकिन फिल्म को दूसरे हाफ में अपना संतुलन हासिल करने का श्रेय दिया जहां ये एक प्रशंसनीय लहेज को बनाए रखने की है जो कभी भी तेज और सुचारू नहीं होती फिल्म फेयर के निष्कर्ष निकाला जबकि तेजस युद्ध भूमिकाओं के महिलाओं के समावेश को बढ़ावा देने का एक साहसी प्रयास है, लेकिन फिल्म का काम उसके धनदेश प्रभाव और कम कर देता है सुब्र गुप्ता ने फिल्म को आंखों को घुमाने वाले क्षणों का एक श्रृंखला के रूप में पैन किया लेकिन उन्होंने रौनक को प्रशंसा की जिनकी अभिनय क्षमता सबसे कमजोर दृश्यों में से चमकती है कुल मिलाकर तेजस को भले ही कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली हो लेकिन अधिकांश आलोचकों ने इसे कमजोर कहानी असंगत स्क्रीन प्ले और के अथानक के लिए नकारा है फिल्म अपने देशभक्ति के संदेश और कंगना और के प्रदर्शन के कुछ दर्शकों को आकर्षक कर सकती है लेकिन कमजोरियों के कारण अधिकांश लोगों के लिए ये उड़ान भरने में असफल रहता है हिमाचल की चट्टानों से भी ज्यादा देर आकाश के शहर गरजता शोर वही तो है बहादुर सैनिक और जब बात आए इससे देश की रक्षा की तो पहली कड़ी बतना ये एक ऐसा हौसला जिसके पंख खोल दे तो दुश्मन का तो तेजस ऐसे ही एक कुशल वायुसेना पायलट की कहानी है जिसके लहू में बिरता और हवा में उड़ान समाये हुए है पहाड़ों की गोद में छिपे दुर्गम किले के ऊपर आकाश चिरती हुई दो धातु की चीले उड़ रही थी एक थे वायुसेना के सुरबीर बेटा कमांडर अंजलि सिंह और उनके साथ उनकी पक्की साथी को पायलट तारा देवी मगर आज उनका मिशन किसी सामान्य उड़ान से कैसी दूर था राष्ट्र की सुरक्षा खतरे से भी अंजलि और तारा एक खतरे से नष्ट करने के लिए निकलते थे एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डॉक्टर राय चौधरी को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था यह कोई मामूली अपहरण नहीं था डॉक्टर राय चौधरी ने देश की सुरक्षा के लिए एक आधुनिकता अधिक हथियार का निर्माण किया था और आतंकवादी उसी हथियार का इस्तेमाल एक हथानक हमले का योजना कर रहे थे भारत मनराय इस तूफान को शांत करने का जिम्मा अंजलि और तारा के अंधों पर था चारों ओर दुर्भाग्य घटिया और सतर्क आतंकवादी थे हर कदम सत्रों से भरा था मर्डर और दुश्मन से लड़ाकू विमान मंडरा रहे होते जमीन पर घात लगाए बंदूकधारी बोलो की छिपे थे और अंजलि और तारा डरते रहे थे ये वो लंबे थे जो लिए तपस्या करके आई थी तेज रफ्तार से गुजर और करते हुए उनके लड़ाकू विमान ने किले की और गोता लगाया आसमान और धरती के बीच के घासमान युद्ध हुआ अंजलि की सूक्ष्म राजनीति और तारा का निपुण संचालन दर्शकों को धूल चटा रहा था उनके फायर एंड फायरेड मिसाइलों ने आतंकवादियों के ठिकानों को धुआं कर दिया और दुश्मन के लड़ाकू विमानों का उनके ही जमीन पर धराशायी कर दिया किले के अंदर अंजलि और तारा के पुरा टूम्पर की तरह छलांग लगाई हथियारों के गर्गराहट के बीच बंदूकधारियों के एक-एक करके कर आगे बढ़ रही थी हर धमाका हर चीज उनके यادदेव को और मजबूत कर रहा था आखिरकार वो डॉक्टर राय चौधरी तक पहुंच गई वो कमजोर लेकिन हौसले से भरे हुए थे उन्हें बचाकर वापस विमान तक पहुंचाना उसकी मुश्किल थी आतंकवादी का अंतिम हमला हुआ लेकिन अंजलि और तारा डटी रही उनके हौसले के आगे आतंकवादियों को शंसा टूट गई विमान में सुरक्षित बैठ डॉक्टर राय चौधरी की आंखों में भारत की आशा झलक रही थी अंजलि और तारा ने न सिर्फ एक बंधक को बचाया था बल्कि एक बड़े हमले को भी नाकाम कर दिया था उनके बहादुरी के किस्से गगन में गूंज रहे थे वो दो रोशनी ही घातक के अंधेरे में भारत की रोशनी बचा ली थी मगर उनकी कहानी यही खत्म नहीं हुई ये तो सिर्फ शुरुआत है आने वाली कल में भी दुश्मन को साजिश होगी पर जंगली अंजलि और तारा उनके लिए सफेद तूफान बनकर खड़ी रहेंगी भारतीय वायुसेना के बेटियों का स्टो की गौरव आकाश की विरंगना विरंगना कहानी यहीं से सितारों तक जाती है जो बात इस फिल्म को अलग करती है वो दो द्वारा उदरा पड़ा भूमिका निभाने का ताजा दृश्य है उनकी प्रतिमुत्ता और साहस के सबसे बड़े हथियार है उन्हें कार्य करते हुए देखकर आपको विश्वास हो जाएगा कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं लेखक निर्देशक हरबेश मरोरा यह पुरुषों का प्रेम संबंधों या बचाव की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के रूप में सहायक भूमिका में धकेल स्थिति बदल दी जाती है जो एक स्वागत बदलाव है हालांकि कभी कभी एक तेजस की बहादुरी अतिरिक्त और थोपी हुई महसूस हो सकती है एक पुरुष पायलट के साथ उसका सत्ता संघर्ष एक गुंडे को हराने की उनकी क्षमता और आदिवासी आदिवासियों के साथ उनके मुठभेड़ उसे उदाहरण अत्याधिक लग सकते हैं फिल्म का उदाहरण अनुसरण करना चुनौतीपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो अतीत और वर्तमान समय सीमा के बीच बदलते रहते हैं जैसे जैसे कहानी सामने आती है कुछ दृश्य अचानक लगते हैं और अधिक सामंजस्यपूर्ण पटकथा सामंजस होती बचाव अभियान शुरू होते के बाद हाई ऑक्सीजन एक्शन दृश्यों के साथ फिल्म वास्तव में रोमांचकारी हो जाती है दुर्भाग्य से आसना आतंकवादी हमले के बारे में एक समांतरण कहानी ध्यान भटकाने वाली साबित होती है फोटोग्राफी के निर्देशक हरी के वेम दृश्य रूप में रूप से मनोरम कल्पना प्रस्तुत करते हैं जो रेगिस्तानी सेटिंग्स में हवाई हमले उड़ानों और लड़ाई के दृश्यों को प्रभावित ढंग से कैंसर करती है फिल्म एक्शन विभाग में उत्कृष्ट है जिसमें कंगना कंगनाथ ने सहजता से एक लड़ाकू पायलट की भूमिका निभाई है और धन शानदार एक्शन दृश्यों और भावनात्मक रूप से उत्साहित क्षण दिए हैं तेजस के तेज लेकिन योग के बफादार ये पायलट का किरदार निभा रहे हैं अंशुल चौहान ने प्रभावशाली प्रदर्शन किए हैं शाश्वत सचदेव का संगीत विशेष रूप से अरिजीत सिंह की प्रस्तुति जैसे जानदा ऊर्जाबान रंजान और विजय गान आ रही अड़ी एक आकर्षक के रूप में सामने आते हैं जिसमें देशभक्ति फिल्म रक्षा नाटक प्रदर्शनों का संवाद आ सकती है हालांकि एक मजबूत कहानी और कड़ी पटकथा ने फिल्म के प्रभाव को बढ़ा दिया होगा इस रोमांचकर फिल्म की प्रेरणा दो में लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय से मिली है जब भारतीय वायुसेना ने उद्युक्त स्थितियों में महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोल लिए थे फिल्म की नायिका तेजस गिल अग्रणी महिलाओं में से एक है जो लड़ाकू विमान उड़ाने और अपने देश की सेवा करने की दृढ़ संकल्प के साथ पुरुष प्रधान क्षेत्र को तोड़ती है अपनी तेज वृद्धि और बहादुरी से तेजस अपने प्रतिष्ठा को अपने स पायलट अफिया अंशुल चौहान अभिनेता के साथ एक बंधक को छुड़ाने के मिशन पर भेजने के लिए मना लेते हैं फिल्म से तेजस के साहसी कारनामों अपने देश के प्रति उनके अटूट प्रेम और क्या वो अपने मिशन के सफल होंगी करती है। तेजस फिल्म को आलोचकों ने खूब फाड़ा है एटन टोमोटो ने इसे केवल दस प्रतिशत का स्कोर मिला है जो दस समीक्षकों और टू पॉइंट की औसत रेटिंग पर आधारित है एन टीवी के शिवकल चैटर्जी ने फिल्म को पांच में से वन स्टार दिया और लिखा तेजस एक ऐसी फिल्म है जो शुरू से ही खराब मौसम के फंसी जाती है और कभी बाहर निकालने का रास्ता नहीं खोज पाती एक हवाई युद्ध कभी इतनी हवा हवाई नहीं रही हालांकि अभी भी प्रतिक्रिया इतनी नकारात्मक नहीं था द टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने पांच में से तीस स्टार दिए और लिखा कहानी के आगे बढ़ने के साथ कुछ सिक्वेंस अचानक से टूटे हुए लगते हैं और आप एक अधिक संगत स्क्रीन प्ले की कामना करते हैं हालांकि फिल्म एक बार मुख्य बचाव अभियान शुरू होने के बाद रोमांचकर हो जाती है और कुछ हाई ऑक्सटेन एक्शन दृश्यों पेश करती है उन्होंने रनक को भावुक दृश्यों की के तरह ही सहजता से एक्शन करते का प्रशंसा की कुछ समीक्षकों ने फिल्म के दूसरे भाग की तारीफ करते हुए उसे अंधे अधूरेपन का शिकार बताया हिंदुस्तान टाइम्स के समर्थन गोयल ने तेजस को आपको आसमान और भू राजनीति के रोमांचक सफर पर ले जाती है वाली फिल्म रूप में वर्णित किया जो तनाव और प्रत्याशा के क्षणों को बताने का सफल होती है समीक्षा ने पहले हाफ को फुटेज का एक अनियंत्रित बताया लेकिन फिल्म को दूसरे हाफ में अपना संतुलन हासिल करने का श्रेय दिया जहां ये एक प्रशंसनीय लहेज को बनाए रखने की है जो कभी भी तेज और सुचारू नहीं होती फिल्म प्यार के निष्कर्ष निकाला जबकि तेजस युद्ध भूमिकाओं के महिलाओं के समावेश को बढ़ावा देने का एक साहसी प्रयास है लेकिन फिल्म का उसके धनदेश प्रभाव और कम कर देता है सुब्र गुप्ता ने फिल्म को आंखों को घुमाने वाले क्षणों का एक श्रृंखला के रूप में पैन किया लेकिन उन्होंने रौनक को प्रशंसा की जिनकी अभिनय क्षमता सबसे कमजोर दृश्य में से चमकती है कुल मिलाकर तेजस को भले ही कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली हो लेकिन अधिकांश आलोचकों ने इसे कमजोर कहानी असंगत स्क्रीन प्ले और अदब के अथानक के लिए नकारा है फिल्म अपने देशभक्ति के संदेश और कंगना और नाथ के प्रदर्शन के कुछ दर्शकों को आकर्षक कर सकती है लेकिन कमजोरियों के कारण अधिकांश लोगों के लिए ये उड़ान भरने में असफल रहता है हिमाचल की चट्टानों से भी ज्यादा देर आकाश के शहर गरजता शोर वही तो है बहादुर सैनिक और जब बात आए इस देश की रक्षा की तो पहली कड़ी बतना ये एक ऐसा हौसला जिसके पंख खोल दे तो दुश्मन कांप उठे तेजस ऐसे ही एक कुशल वायुसेना पायलट की कहानी है जिसके लहू में बिरता और हवा में उड़ान समाये हुए हैं पहाड़ों की गोद में छिपे दुर्गम किले के ऊपर आकाश चिरती हुई दो धातु की चीले उड़ रही थी एक थे वायुसेना के सुरबीर बेटा कमांडर अंजलि सिंह और उनके साथ उनकी पक्की साथी को पायलट तारा देवी मगर आज उनका मिशन किसी सामान्य उडान से कैसी दूर था राष्ट्र की सुरक्षा खतरे से भी अंजलि और तारा एक खतरे से नष्ट करने के लिए निकलते थे एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डॉक्टर राय चौधरी को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था ये कोई मामूली अपहरण नहीं था डॉक्टर राय चौधरी ने देश की सुरक्षा के लिए एक आधुनिकता अधिक हथियार का निर्माण किया था और आतंकवादी उसी हथियार का इस्तेमाल एक हथानक हमले का योजना कर रहे थे भारत मंडराये इस तूफान को शांत करने का जिम्मा अंजलि और ताला के अंधों पर था चारों ओर दुर्भाग्य घटिया और सतर्क आतंकवादी थे हर कदम सत्रों से भरा था मर्डर और दुश्मन से लड़ाकू विमान मंडरा रहे होते जमीन पर घात लगाए बंदूकधारी बोलो की छिपे थे और अंजलि और तारा डरते रहे थे ये बोल लंबे थे जो लिए तपस्या करके आई थी तेज रफ्तार से गुजर और करते हुए उनके लड़ाकू विमान ने किले की और गोता लगाया आसमान और धरती के बीच के घासमान युद्ध हुआ अंजलि की सूक्ष्म राजनीति और तारा का निपुण संचालन दर्शकों को धूल चटा रहा था उनके फायर एंड फायरेड मिसाइलों ने आतंकवादियों के ठिकानों को धुआं कर दिया और दुश्मन के लड़ाकू विमानों का उनके ही जमीन पर धराशायी कर दिया किले के अंदर अंजलि और तारा के पुरा टर की तरह छलांग लगाई हथियारों के गरगराहट के बीच बंदूकधारियों के एक-एक करके निशकियों कर आगे बढ़ रही थी हर धमाका हर चीज उनके इरादे को और मजबूत कर रहा था आखिरकार वो डॉक्टर राय चौधरी तक पहुंच गई वो कमजोर लेकिन हौसले से भरे हुए थे उन्हें बचाकर वापस विमान तक पहुंचाना उसकी मुश्किल थी आतंकवादी का अंतिम हमला हुआ लेकिन अंजलि और तारा डटी रही उनके हौसले के आगे आतंकवादियों को शंसा टूट गई विमान में सुरक्षित बैठ डॉक्टर राय चौधरी की आंखों में भारत की आशा झलक रही थी अंजलि और तारा ने न सिर्फ एक बंधक को बचाया था बल्कि एक बड़े हमले को भी नाकाम कर दिया था उनके बहादुरी के किस्से गगन में गूंज रहे थे वो दो दोन रोशनी ही घातक के अंधेरे में भारत की रोशनी बचा ली थी मगर उनकी कहानी यही खत्म नहीं हुई ये तो सिर्फ शुरुआत है आने वाली कल में भी दुश्मन को साजिश होगी पर जंगली अंजलि और तारा उनके लिए सफेद तूफान बनकर खड़ी रहेंगी भारतीय वायुसेना के बेटी राष्ट्रों की गौरव आकाश की वीरसंगरा वीरंगना कहानी यहीं से सितारों तक जाती है जो बात इस फिल्म को अलग करती है वो दो महिला द्वारा अपरंपरा भूमिका निभाने का ताजा दृश्य है उनकी प्रतिमुत्ता और साहस के सबसे बड़े हथियार है उन्हें कार्य करते हुए देखकर आपको विश्वास हो जाएगा कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं लेखक निर्देशक हरबेश मरोरा यह पुरुषों का प्रेम संबंधों या बचाव की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के रूप में सहायक भूमिका में धकेल कर स्थिति बदल दी जाती है जो एक स्वागत योग्य बदलाव है हालांकि कभी कभी एक तेजस की बहादुरी अतिरिक्त और थोपी हुई महसूस हो सकती है एक पुरुष पायलट के साथ उसका सत्ता संघर्ष एक गुंडे को हराने की उनकी क्षमता और आदिवासी आदिवासियों के साथ उनके मुठभेड़ उसे उदाहरण अत्याधिक लग सकते हैं फिल्म का उदाहरण अनुसरण करना चुनौतीपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो अतीत और वर्तमान समय सीमा के बीच बदलते रहते हैं जैसे जैसे कहानी सामने आती है कुछ दृश्य अचानक लगते हैं और अधिक सामंजस्यपूर्ण पटकथा होती है दरअसल मुख्य बचाव अभियान शुरू होने के बाद हाई ऑक्सीजन एक्शन दृश्यों के साथ फिल्म वास्तव में रोमांचकारी हो जाती है दुर्भाग्य से आसना आतंकवादी हमले के बारे में एक समांतरण कहानी ध्यान भटकाने वाली साबित होती है फोटोग्राफी के निर्देशक हरी के वेम दृश्य रूप में रूप से मनोरम कल्पना प्रस्तुत करते हैं जो रेगिस्तानी सेटिंग्स में हवाई हमले उड़ानों और लड़ाई के दृश्यों को प्रभावित ढंग से कैंसर करती है फिल्म एक्शन विभाग में उत्कृष्ट है जिसमें कंगना रनौत ने सहजता से एक लड़ाकू पायलट की भूमिका निभाई है और शानदार एक्शन दृश्य और भावनात्मक रूप से उत्साहित क्षण दिए हैं तेजस के तेज लेकिन अयोग के बफादार ये पायलट का किरदार निभा रहे हैं अंशुल चौहान ने प्रभावशाली प्रदर्शन किए हैं शाश्वत सचदेव का संगीत विशेष रूप से अरिजीत सिंह की प्रस्तुति जैसे जानदा ऊर्जा और विजय गान आ रही अड़ी एक आकर्षक के रूप में सामने आते हैं जिसमें जिसमे फिल्म रक्षा नाटकों प्रदर्शनों का संवाद आ सकती है हालांकि एक मजबूत कहानी और कड़ी पटकथा ने फिल्म के प्रभाव को बढ़ा दिया होगा इस रोमांचकर फिल्म की प्रेरणा दो में लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय से मिली है जब भारतीय वायुसेना ने उद्युक्त स्थितियों में महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे फिल्म की नायिका तेजस गिल अग्रणी महिलाओं में से एक है जो लड़ाकू विमान उड़ाने और अपने देश की सेवा करने की दृढ़ संकल्प के साथ पुरुष प्रधान क्षेत्रों को तोड़ती है अपनी तेज वृद्धि और बहादुरी से तेजस अपने प्रतिष्ठा को अपने स पायलट अफिया अंशुल चौहान अभिनेता के साथ एक बंधक को छुड़ाने के मिशन पर भेजने के लिए मना लेते हैं फिल्म से तेजस के साहसी कारनामों अपने देश के प्रति उनके अटूट प्रेम और क्या वो अपने मिशन के सफल होंगी करती है। तेजस फिल्म को आलोचकों ने खूब फाड़ा है एटन टोमोटोज ने इसे केवल 10 प्रतिशत का स्कोर मिला है जो 10 समीक्षकों और टू पॉइंट टेन की औसत रेटिंग पर आधारित है एन टीवी के शिवकल चैटर्जी ने फिल्म को पांच में से वन स्टार दिया और लिखा तेजस एक ऐसी फिल्म है जो शुरू से ही हवा खराब मौसम के फसी जाती है और कभी बाहर निकालने का रास्ता नहीं खोज पाती एक हवाई युद्ध कभी इतनी हवा हवाई नहीं रही हालांकि अभी भी प्रतिक्रिया इतनी नकारात्मक नहीं था द टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने पांच में से तीस स्टार दी और लिखा कहानी के आगे बढ़ने के साथ कुछ स्वीकें अचानक से टूटे हुए लगते हैं और आप एक अधिक संगत स्क्रीन प्ले की कामना करते हैं हालांकि फिल्म एक बार मुख्य बचाव अभियान शुरू होने के बाद रोमांचक हो जाती है और कुछ हाई ऑक्सटेन एक्शन दृश्य पेश करती है उन्होंने रनत को भावुक दृश्यों के तरह ही सहजता से एक्शन करते का प्रशंसा की कुछ समीक्षकों ने फिल्म के दूसरे भाग की तारीफ करते हुए उसे अंधे अधूरेपन का शिकार बताया हिंदुस्तान टाइम्स के समर्थन गोयल ने तेजस को आपको आसमान और भू राजनीति के रोमांचक सफर पर ले जाती है वाली फिल्म रूप में वर्णित किया जो तनाव और प्रत्याशा के क्षणों को बताने का सफल होती है समीक्षा ने पहले हाफ को फुटेज का एक अनियंत्रित बताया लेकिन फिल्म को दूसरे हाफ में अपना संतुलन हासिल करने का श्रेय दिया जहां ये एक प्रशंसनीय लहेज को बनाए रखने की है जो कभी भी तेज और सुचारू नहीं होती फिल्म प्यार के निष्कर्ष निकाला जबकि तेजस युद्ध भूमिकाओं के महिलाओं के समावेश को बढ़ावा देने का एक साहसी प्रयास है लेकिन फिल्म का उसके धनदेश प्रभाव और कम कर देता है सुब्र गुप्ता ने फिल्म को आंखों को घुमाने वाले क्षणों का एक श्रृंखला के रूप में पैन किया लेकिन उन्होंने रौनक को प्रशंसा की जिनकी अभिनय क्षमता सबसे कमजोर दृश्यों में से चमकती है कुल मिलाकर तेजस को भले ही कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली हो लेकिन अधिकांश आलोचकों ने इसे कमजोर कहानी असंगत स्क्रीन प्ले और अदब के अथानक के लिए नकारा है फिल्म अपने देशभक्ति के संदेश और कंगना और नाथ के प्रदर्शन के कुछ दर्शकों को आकर्षक कर सकती है लेकिन कमजोरियों के कारण अधिकांश लोगों के लिए ये उड़ान भरने में असफल रहता है हिमाचल की चट्टानों से भी ज्यादा देर आकाश के शहर गरजता शोर वही तो है बहादुर सैनिक और जब बात आए इससे देश की रक्षा की तो पहली कड़ी बतना ये एक ऐसा हौसला जिसके पंख खोल दे तो दुश्मन तो जस ऐसे ही एक कुशल वायुसेना पायलट की कहानी है जिसके लहू में बिरता और हवा में उड़ान समाये हुए है पहाड़ों की गोद में छिपे दुर्गम किले के ऊपर आकाश चिरती हुई दो धातु की चीले उड़ रही थी एक थे वायुसेना और उनके साथ उनकी पक्की साथी को पायलट तारा देवी मगर आज उनका मिशन किसी सामान्य उड़ान से कैसी दूर था राष्ट्र के सुरक्षा खतरे से भी अंजलि और तारा एक खतरे से नष्ट करने के लिए निकलते थे एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डॉक्टर राय चौधरी को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था यह कोई मामूली अपहरण नहीं था डॉक्टर राय चौधरी ने देश की सुरक्षा के लिए एक आधुनिकता अधिक हथियार का निर्माण किया था और आतंकवादी उसी हथियार का इस्तेमाल एक हताना का हमले का योजना कर रहे थे भारत इस तूफान को शांत करने का जिम्मा अंजलि और तारा के अंधों पर था चारों और दुर्भाग्य घटिया और सतर्क आतंकवादी थे हर कदम सत्रों से भरा था मर्डर और दुश्मन से को विमान मंडरा रहे होते जमीन पर घात लगाए बंदूकधारी वोलो की छिपे थे और अंजलि और तारा रहे थे, ये वो ये लंबे थे जो लिए वो तपस्या करके आई थी तेज रफ्तार से गुजर और करते हुए उनके लड़ाकू विमान ने की और गोता लगाया आसमान और धरती के बीच के युद्ध हुआ अंजलि की सूक्ष्म राजनीति और तारा का निपुण संचालन दर्शकों को धूल चटा रहा था उनके फायर एंड फायरेट मिसाइलों ने आतंकवादियों के ठिकानों को धुआं कर दिया और दुश्मन के लड़ाकू विमानों का उनके ही जमीन पर धराशाई कर दिया किले के अंदर अंजलि और तारा के पूरा तरह छलांग लगाई हथियारों के गड़गड़ाहट के बीच बंदूकधारियों के एक एक करके निस्कियों कर आगे बढ़ रही थी हर धमाका हर चीज उनके दादे को और मजबूत कर रहा था आखिरकार वो डॉक्टर राय चौधरी तक पहुंच गई वो कमजोर लेकिन हौसले से भरे हुए थे उन्हें बचाकर वापस विमान तक पहुँचाना उसकी मुश्किल थी आतंकवादी का अंतिम हमला हुआ लेकिन अंजलि और तारा डटी रही उनके हौसले के आगे आतंकवादियों को शंसा टूट गई विमान में सुरक्षित बैठ डॉक्टर राय चौधरी की आंखों में भारत की आशा झलक रही थी अंजलि और तारा ने न सिर्फ एक बंधक को बचाया था बल्कि एक बड़े हमले को भी नाकाम कर दिया था उनके बहादुरी के किस्से गगन में गूंज रहे थे वो दो रहती रोशनी ही उन्होंने घातक के अंधेरे में भारत की रोशनी बचा ली थी मगर उनकी कहानी यही खत्म नहीं हुई ये तो सिर्फ शुरुआत है आने वाली कल में भी दुश्मन को साजिश होगी पर जंगली अंजलि और तारा उनके लिए सफेद तूफान बनकर खड़ी रहेंगी भारतीय वायुसेना के बेटियों की गौरव आकाश की कहानी यहीं से सितारों तक जाती है जो बात इस फिल्म को अलग करती है वो दो महिलाओं द्वारा अपरपरा भूमिका निभाने का ताजा दृश्य है उनकी प्रतिमत्ता और साहस के सबसे बड़े हथियार है उन्हें कार्य करते हुए देख कर आपको विश्वास हो जाएगा की वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम है लेखक निर्देशक हरबेश मरोरा ये पुरुषों का प्रेम सम्बन्धो या बचाव की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के रूप में सहायक भूमिका में धकेल कर स्थिति बदल दी जाती है जो एक स्वागत योग बदलाव है हालांकि कभी कभी एक तेजस की बहादुरी अतिरिक्त और थोपी हुई महसूस हो सकती है एक पुरुष पायलट के साथ उसका सत्ता संघर्ष एक गुंडे को हराने की उनकी क्षमता और आदिवासी आदिवासियों के साथ उनके मुठभेड़ उसे उदाहरण अत्याधिक लग सकते हैं फिल्म का उदाहरण अनुसरण कर चुनौतीपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो अतीत और वर्तमान समय सीमा के बीच बदलते रहते हैं जैसे जैसे कहानी सामने आती है कुछ दृश्य अचानक लगते हैं और अधिक सामंजस्यपूर्ण पटकथा वांछनीय होती है दरअसल मुख्य बचाव अभियान शुरू होते के बाद, हाई ऑक्सीजन एक्शन दृश्यों के साथ फिल्म वास्तव में रोमांचकारी हो जाती है दुर्भाग्य से आसना आतंकवादी हमले के बारे में एक समांतरण कहानी ध्यान भटकाने वाली साबित होती है फोटोग्राफी के निर्देशक हरी के वेम दृश्य रूप में रूप से मनोरम कल्पना प्रस्तुत करते हैं जो रेगिस्तानी सेटिंग्स में हवाई हमले उड़ानों और लड़ाई के दृश्यों को प्रभावित ढंग से कैंसर करती है फिल्म एक्शन विभाग में उत्कृष्ट है जिसमें कंगना रनौत ने सहजता से एक लड़ाकू पायलट की भूमिका निभाई है और शानदार एक्शन दृश्यों और भावनात्मक रूप से उत्साहित क्षण दिए हैं तेजस के तेज लेकिन योग के वफादार ये पायलट का किरदार निभा रहे हैं अंशुल चौहान ने प्रभावशाली प्रदर्शन किए हैं शाश्वत सचदेव का संगीत विशेष रूप से अरिजीत सिंह की प्रस्तुति ऊर्जावान रंजान और विजय गान आ रही अड़ी एक आकर्षक के रूप में सामने आते हैं जिसमें जिसमे फिल्म रक्षा नाटक को प्रदर्शनों का संवाद आ सकती है हालांकि एक मजबूत कहानी और कड़ी पटकथा ने फिल्म के प्रभाव को बढ़ा दिया होगा इस रोमांचक फिल्म की प्रेरणा दो में लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय से मिली है जब भारतीय वायुसेना ने उद्युक्त स्थितियों में महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे फिल्म की नायिका तेजस गिल अग्रणी महिलाओं में से एक है जो लड़ाकू विमान उड़ाने और अपने देश की सेवा करने की दृढ़ संकल्प के साथ पुरुष प्रधान क्षेत्रों को तोड़ती है अपनी तेज वृद्धि और बहादुरी से तेजस अपने प्रतिष्ठा को अपने सह पायलट अफिया अंशुल चौहान अभिनेता के साथ एक बंधक को छुड़ाने के मिशन पर भेजने के लिए मना लेते हैं फिल्म से तेजस के साहसी कारनामों अपने देश के प्रति उनके अटूट प्रेम और क्या वो अपने खूब फाड़ा है एटन टोमोटो ने इसे केवल 10 प्रतिशत का स्कोर मिला है जो 10 समीक्षकों और टू पॉइंट टेन की औसत रेटिंग पर आधारित है एन टीवी के शिवकल चैटर्जी ने फिल्म को पांच में से वन स्टार दिया और लिखा तेजस एक ऐसी फिल्म है जो शुरू से ही हवा खराब मौसम के फसी जाती है और कभी बाहर निकालने का रास्ता नहीं खोज पाती एक हवाई युद्ध थ्रिलर कभी इतनी हवा हवाई नहीं रही हालांकि अभी भी प्रतिक्रिया इतनी नकारात्मक नहीं था द टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने पांच में से तीस स्टार दिए और लिखा कहानी के आगे बढ़ने के साथ कुछ सीक्वेंस अचानक से टूटे हुए लगते हैं और आप एक अधिक संगत स्क्रीन प्ले की कामना करते हैं हालांकि फिल्म एक बार मुख्य बचाव अभियान शुरू होने के बाद रोमांचक हो जाती है और कुछ हाई ऑक्सटेन एक्शन दृश्यों पेश करती है उन्होंने रनत को भावुक दृश्यों के तरह ही सहजता से एक्शन करते का प्रशंसा की कुछ समीक्षकों ने फिल्म के दूसरे भाग की तारीफ करते हुए उसे अंधे अधूरेपन का शिकार बताया हिंदुस्तान टाइम्स के समर्थन गोयल ने तेजस को आपको आसमान और भू राजनीति के रोमांचक सफर पर ले जाती है वाली फिल्म रूप में वर्णित किया जो प्रत्याशा के क्षणों को बताने का सफल होती है समीक्षा ने पहले हाफ को फुटेज का एक अनियंत्रित डेर बताया लेकिन फिल्म को दूसरे हाफ में अपना संतुलन हासिल करने का श्रेय दिया जहाँ ये एक प्रशंसनीय लहज को बनाए रखने की है जो कभी भी तेज और सुचारू नहीं होती फिल्म फेयर के निष्कर्ष निकाला जबकि तेजस युद्ध भूमिकाओं के महिलाओं के समावेश को बढ़ापा देने का एक साहसी प्रयास है लेकिन फिल्म का अधिकार उसके धनदेश प्रभाव और कम कर देता है शुभ्र गुप्ता ने फिल्म को आंखों को घुमाने वाले क्षणों का एक श्रृंखला के रूप में पैन किया लेकिन उन्होंने रौनक को प्रशंसा की जिनकी अभिनय क्षमता सबसे कमजोर दृश्यों में से चमकती है कुल मिलाकर तेजस को भले ही कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली हो लेकिन अधिकांश आलोचकों ने इसे कमजोर कहानी असंगत स्क्रीन प्ले और अदब के अथानक के लिए नकारा है फिल्म अपने देशभक्ति के संदेश और कंगना और नाथ के प्रदर्शन के कुछ दर्शकों को आकर्षक कर सकती है लेकिन कमजोरियों के कारण अधिकांश लोगों के लिए ये उड़ान भरने में असफल रहता है हिमाचल की चट्टानों से भी ज्यादा देर आकाश के शहर गरजता शोर वही तो है बहादुर सैनिक और जब बात आए इससे देश की रक्षा की तो पहली कड़ी बतना ये एक ऐसा हौसला है जिसके पंख खोल दे तो दुश्मन कांप उठे तेजस तो ऐसे ही एक कुशल वायुसेना पायलट की कहानी है जिसके लहू में बिरता और हवा में उड़ान समाये हुए है पहाड़ों की गोद में छिपे दुर्गम किले के ऊपर आकाश चिरती हुई दो धातु की चीले उड़ रही थी एक थे वायुसेना के सुरबीर बेटा कमांडर अंजलि सिंह और उनके साथ उनकी पक्की साथी को पायलट तारा देवी मगर आज उनका मिशन किसी सामान्य उड़ान से कैसी दूर था राष्ट्र की सुरक्षा खतरे से भी अंजलि और तारा एक खतरे से नष्ट करने के लिए निकलते थे एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डॉक्टर राय चौधरी को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था यह कोई मामूली अपहरण नहीं था डॉक्टर राय चौधरी ने देश की सुरक्षा के लिए एक आधुनिकता अधिक हथियार का निर्माण किया था और आतंकवादी उसी हथियार का इस्तेमाल एक हताना का हमले का योजना कर रहे थे भारत इस तूफान को शांत करने का जिम्मा अंजलि और तारा के अंधों पर था चारों और दुर्भाग्य घटिया और सतर्क आतंकवादी थे हर कदम सत्रों से भरा था मर्डर और दुश्मन से लड़ा को विमान मंडरा रहे होते जमीन पर घात लगाए बंदूकधारी बोलो की छिपे थे और अंजलि और तारा डरते रहे थे ये वो ये लंबे थे जो लिए वो तपस्या करके आई थी तेज रफ्तार से गुजर और करते हुए उनके लड़ाकू विमान ने किले की और गोता लगाया आसमान और धरती के बीच के घासमान युद्ध हुआ अंजलि की सूक्ष्म सूक्ष्मी और तारा का निपुण संचालन दर्शकों को धूल चटा रहा था उनके फायर एंड फायरेट मिसाइलों ने आतंकवादियों के ठिकानों को धुआं कर दिया और दुश्मन के लड़ाकू विमानों का उनके ही जमीन पर धराशाई कर दिया किले के अंदर अंजलि और तारा के पूरा की तरह छलांग लगाई हथियारों के गड़गड़ाहट के, के बीच बंदूकधारियों के एक एक करके निस्क्यो कर आगे बढ़ रही थी हर धमाका हर चीज उनके को और मजबूत कर रहा था आखिरकार वो डॉक्टर राय चौधरी तक पहुंच गई वो कमजोर लेकिन हौसले से भरे हुए थे उन्हें बचाकर वापस विमान तक पहुँचाना उसकी मुश्किल थी आतंकवादी का अंतिम हमला हुआ लेकिन अंजलि और तारा डटी रही उनके हौसले के आगे आतंकवादियों को शंसा टूट गई विमान में सुरक्षित बैट डॉक्टर राय चौधरी की आंखों में भारत की आशा झलक रही थी अंजलि और तारा ने न सिर्फ एक बंधक को बचाया था बल्कि एक बड़े हमले को भी नाकाम कर दिया था उनके बहादुरी के किस्से गगन में गूंज रहे थे वो दो रहती रोशनी ही इन्होंने घातक के अंधेरे में भारत की रोशनी बचा ली थी मगर उनकी कहानी यही खत्म नहीं हुई ये तो सिर्फ शुरुआत है आने वाली कल में भी दुश्मन को साजिश होगी पर जंगली अंजलि और तारा उनके लिए सफेद तूफान बनकर खड़ी रहेंगी भारतीय वायुसेना के बेटियों राष्ट्रों की गौरव आकाश की कहानी यहीं से सितारों तक जाती है जो बात इस फिल्म को अलग करती है वो दो महिलाओं द्वारा अपरंपरा भूमिका निभाने का ताजा दृश्य है उनकी प्रतिमत्ता और साहस के सबसे बड़े हथियार है उन्हें कार्य करते हुए देख कर आपको विश्वास हो जाएगा कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम है लेखक निर्देशक हर्बेश मरोरा ये पुरुषों का प्रेम सम्बन्धो या बचाव की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के रूप में सहायक भूमिका में धकेल कर स्थिति बदल दी जाती है जो एक स्वागत बदलाव है हालांकि कभी कभी एक तेजस की बहादुरी अतिरिक्त और थोपी हुई महसूस हो सकती है एक पुरुष पायलट के साथ उसका सत्ता संघर्ष एक गुंडे को हराने की उनकी क्षमता और आदिवासी आदिवासियों के साथ उनके मुठभेड़ उसे उदाहरण अत्याधिक लग सकते हैं फिल्म का उदाहरण अनुसरण करना चुनौतीपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो अतीत और वर्तमान समय सीमा के बीच बदलते रहते हैं जैसे जैसे कहानी सामने आती है कुछ दृश्य अचानक लगते हैं और अधिक सामंजस्यपूर्ण पटकथा होती है दरअसल मुख्य बचाव अभियान शुरू होते के बाद हाई ऑक्सीजन एक्शन दृश्यों के साथ फिल्म वास्तव में रोमांचकारी हो जाती है दुर्भाग्य से आसना आतंकवादी हमले के बारे में एक समांतरण कहानी ध्यान भटकाने वाली साबित होती है फोटोग्राफी के निर्देशक हरि के वेम दृश्य रूप में रूप ऐसी मनोरम कल्पना प्रस्तुत करते हैं जो रेगिस्तानी सेटिंग्स में हवाई हमले उड़ानों और लड़ाई के दृश्यों को प्रभावित ढंग से कैंसर करती है फिल्म एक्शन विभाग में उत्कृष्ट है जिसमे कंगनाथ ने सहजता से एक लड़ाकू पायलट की भूमिका निभाई है और शानदार एक्शन दृश्यों और भावनात्मक रूप से उत्साहित क्षण दिए हैं तेजस के तेज लेकिन योग के बफादार ये पायलट का किरदार निभा रहे हैं अंशुल चौहान ने प्रभावशाली प्रदर्शन किए हैं शासव सचदेव का संगीत विशेष रूप से अरिजीत सिंह की प्रस्तुति जैसे जानदा ऊर्जावान रंजान और विजय गान आ रही अड़ी एक आकर्षक के रूप में सामने आते हैं जिसमें देशभक्ति फिल्म रक्षा नाटक को प्रदर्शनों का संवाद आ सकती है हालांकि एक मजबूत कहानी और कड़ी पटकथा ने फिल्म के प्रभाव को बढ़ा दिया होगा इस रोमांचक फिल्म की प्रेरणा दो में लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय से मिली है जब भारतीय वायुसेना ने उद्युक्त स्थितियों में महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे फिल्म की नायिका तेजस गिल अग्रणी महिलाओं में से एक है जो लड़ाकू विमान उड़ाने और अपने देश की सेवा करने की दृढ़ संकल्प के साथ पुरुष प्रधान क्षेत्र को तोड़ती है अपनी तेज वृद्धि और बहादुरी से तेजस अपने प्रतिष्ठा को अपने स पायलट अफिया अंशुल चौहानधर अभिनेता के साथ एक बंधक को छुड़ाने के मिशन पर भेजने के लिए मना लेते हैं फिल्म से तेजस के साहसी कारनामों अपने देश के प्रति उनके अटूट प्रेम और क्या वो अपने मिशन के सफल होंगी बिगड़ करती है तेजस फिल्म को आलोचकों ने खूब फाड़ा है रिटर्न टोमोटो ने इसे केवल दस प्रतिशत का स्कोर मिला है जो दस समीक्षकों और टू पॉइंट टेन की औसत रेटिंग पर आधारित है एन टीवी के शवकल चैटर्जी ने फिल्म को पाँच में से वन स्टार दी और लिखा तेजस एक ऐसी फिल्म है जो शुरू से ही खराब मौसम के फंसी जाती है और कभी बाहर निकालने का रास्ता नहीं खोज पाती एक हवाई युद्ध थ्रिलर कभी इतनी हवा हवाई नहीं रही हालांकि अभी भी प्रतिक्रिया इतनी नकारात्मक नहीं था द टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने पांच में से तीस स्टार दिए और लिखा कहानी के आगे बढ़ने के साथ कुछ सीक्वेंस अचानक से टूटे हुए लगते हैं और आप एक अधिक संगत स्क्रीन प्ले की कामना करते हैं हालांकि फिल्म एक बार मुख्य बचाव अभियान शुरू होने के बाद रोमांचक हो जाती है और कुछ हाई ऑक्सटेन एक्शन दृश्यों पेश करती है उन्होंने रनक को भावुक दृश्यों की के तरह ही सहजता से एक्शन करते का प्रशंसा की कुछ समीक्षकों ने फिल्म के दूसरे भाग की तारीफ करते हुए उसे अंधे अधूरेपन का शिकार बताया हिंदुस्तान टाइम्स के समर्थन गोयल ने तेजस को आपको आसमान और भू राजनीति के रोमांचक सफर पर ले जाती है वाली फिल्म रूप में वर्णित किया जो तनाव और प्रत्याशा के क्षणों को बताने का सफल होती है समीक्षा ने पहले हाफ को फुटेज का एक अनियंत्रित देर बताया लेकिन फिल्म को दूसरे हाफ में अपना संतुलन हासिल करने का श्रेय दिया जहाँ ये एक प्रशंसनीय लहेज को बनाए रखने की है जो कभी भी तेज और सुचारू नहीं होती फिल्म फेयर के निष्कर्ष निकाला जबकि तेजस युद्ध भूमिकाओं के महिलाओं के समावेश को बढ़ापा देने का एक साहसी प्रयास है लेकिन फिल्म का अधिकारन उसके धनदेश प्रभाव और कम कर देता है सुब्र गुप्ता ने फिल्म को आंखों को घुमाने वाले क्षणों का एक श्रृंखला के रूप में पैन किया लेकिन उन्होंने रौनक को प्रशंसा की जिनकी अभिनय क्षमता सबसे कमजोर दिशो में से चमकती है कुल मिलाकर तेजस को भले ही कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली हो लेकिन अधिकांश आलोचकों ने इसे कमजोर कहानी असंगत स्क्रीन प्ले और अदब के अथानक के लिए नकारा है फिल्म अपने देशभक्ति के संदेश और कंगना और नाथ के प्रदर्शन के कुछ दर्शकों को आकर्षक कर सकती है लेकिन कमजोरियों के कारण अधिकांश लोगों के लिए ये उड़ान भरने में असफल रहता है हिमाचल की चट्टानों से भी ज्यादा देर आकाश के शहर गरजता शोर वही तो है बहादुर सैनिक और जब बात आए इससे देश की रक्षा की तो पहली कड़ी बतना ये एक ऐसा हौसला जिसके पंख खोल दे तो दुश्मन कांप उठे तेजस ऐसे ही एक कुशल वायुसेना पायलट की कहानी है जिसके लहू में बिरता और हवा में उड़ान समाये हुए है पहाड़ों की गोद में छिपे दुर्गम किले के ऊपर आकाश चिरती हुई दो धातु की चीले उड़ रही थी एक थे वायुसेना के सुरबीर बेटा कमांडर अंजलि सिंह और उनके साथ उनकी पक्की साथी को पायलट तारा देवी मगर आज उनका मिशन किसी सामान्य उड़ान से कैसी दूर था राष्ट्र की सुरक्षा खतरे से भी अंजलि और तारा एक खतरे से नष्ट करने के लिए निकलते थे एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डॉ राय चौधरी को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था यह कोई मामूली अपहरण नहीं था डॉक्टर राय चौधरी ने देश की सुरक्षा के लिए एक आधुनिकता अधिक हथियार का निर्माण किया था और आतंकवादी उसी हथियार का इस्तेमाल एक हथानक हमले का योजना कर रहे थे भारत मनराये इस तूफान को शांत करने का जिम्मा अंजलि और तारा के अंधों पर था चारों और दुर्भाग्य घटिया और सतर्क आतंकवादी थे हर कदम सत्रों से भरा था मर्डर और दुश्मन से लड़ाकू विमान मंडरा रहे होते जमीन पर घात लगाए बंदूकधारी बोलो की छिपे थे और अंजलि और तारा डरते रहे थे ये वो लंबे थे जो लिए तपस्या करके आई थी तेज रफ्तार से गुजर और करते हुए उनके लड़ाकू विमान ने किले की और गोता लगाया आसमान और धरती के बीच के घासमान युद्ध हुआ अंजलि की सूक्ष्म राजनीति और तारा का निपुण संचालन दर्शकों को धूल चटा रहा था उनके फायर एंड एंड फायरेट मिसाइलों ने आतंकवादियों के ठिकानों को धुआं कर दिया और दुश्मन के लड़ाकू विमानों का उनके ही जमीन पर धराशायी कर दिया किले के अंदर अंजलि और ताड़ा के पूरा टुम्पर की तरह छलांग लगाई हथियारों के गड़गड़ाहट गर के बीच ही बंदूकधारियों के एक एक करके निष्क्रियो कर आगे बढ़ रही थी हर धमाका हर चीज उनके इरादे को और मजबूत कर रहा था आखिरकार वो डॉक्टर राय चौधरी तक पहुंच गई वो कमजोर लेकिन हौसले से भरे हुए थे उन्हें बचाकर वापस विमान तक पहुँचाना उसकी मुश्किल थी आतंकवादी का अंतिम हमला हुआ लेकिन अंजलि और तारा डटी रही उनके हौसले के आगे आतंकवादियों को टूट गई विमान में सुरक्षित बैठ डॉक्टर राय चौधरी की आंखों में भारत की आशा झलक रही थी अंजलि और तारा ने न सिर्फ एक बंधक को बचाया था बल्कि एक बड़े हमले को भी नाकाम कर दिया था उनके बहादुरी के किस्से गगन में गूंज रहे थे वो दो रहती रोशनी ही जिन्होंने घातक के अंधेरे में भारत की रोशनी बचा ली थी मगर उनकी कहानी यही खत्म नहीं हुई ये तो सिर्फ शुरुआत है आने वाली कल में भी दुश्मन को साजिश होगी पर जंगली अंजलि और तारा उनके लिए सवेद कर रहेंगी। के बेटियों की गौरव की अलग करती है वो दो महिलाओं द्वारा अपरपरा भूमिका निभाने का ताजा दृश्य है उनकी प्रतिमत्ता और साहस के सबसे बड़े हथियार है उन्हें कार्य करते हुए देख कर आपको विश्वास हो जाएगा की वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम है लेखक निर्देशक हरबेश मरोरा ये पुरुषों का प्रेम संबंधों या बचाव की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के रूप में सहायक भूमिका में धकेल स्थिति बदल दी जाती है जो एक स्वागत बदलाव है हालांकि कभी कभी एक तेजस की बहादुरी अतिरिक्त और थोपी हुई महसूस हो सकती है एक पुरुष पायलट के साथ उसका सत्ता संघर्ष एक गुंडे को हराने की उनकी क्षमता और आदिवासी आदिवासियों के साथ उनके मुठभेड़ उसे उदाहरण अत्याधिक लग सकते हैं फिल्म का उदाहरण अनुसरण करना चुनौतीपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो अतीत और वर्तमान समय सीमा के बीच बदलते रहते हैं जैसे जैसे कहानी सामने आती है कुछ दृश्य अचानक लगते हैं और अधिक सामंजस्यपूर्ण पटकथा होती है दरअसल मुख्य बचाव अभियान शुरू होने के बाद हाई ऑक्सीजन एक्शन दृश्यों के साथ फिल्म वास्तव में रोमांचकारी हो जाती है दुर्भाग्य से आसना आतंकवादी हमले के बारे में एक समांतरण कहानी ध्यान भटकाने वाली साबित होती है फोटोग्राफी के निर्देशक हरी के वेम दृश्य रूप में रूप से मनोरम कल्पना प्रस्तुत करते हैं जो रेगिस्तानी सेटिंग्स में हवाई हमले उड़ानों और लड़ाई के اندिश्यों को प्रभावित ढंग से कैनचर करती है फिल्म एक्शन विभाग में उत्कृष्ट है जिसमें कंगना रनौत ने सहजता से एक लड़ाकू पायलट की भूमिका निभाई है और धन शानदार एक्शन दृश्य और भावनात्मक रूप से उत्साहित क्षण दिए हैं तेजस के तेज लेकिन योग्य वफादार ये पायलट का किरदार निभा रहे हैं अंशुल चौहान ने प्रभावशाली प्रदर्शन किए हैं शाश्वत सचदेव का संगीत विशेष रूप से अरिजीत सिंह की प्रस्तुति जैसे जानदा ऊर्जा बन रंजान और विजय गान आ रही अड़ी एक आकर्षक के रूप में सामने आते हैं जिसमें देशभक्ति फिल्म रक्षा नाटक प्रदर्शनों का संवाद आ सकती है हालांकि एक मजबूत कहानी और कड़ी पटकथा ने फिल्म के प्रभाव को बढ़ा दिया होगा इस रोमांचकर फिल्म की प्रेरणा दो में लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय से मिली है जब भारतीय वायुसेना ने उद्युक्त स्थितियों में महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोल लिए थे फिल्म की नायिका तेजस गिल अग्रणी महिलाओं में से एक है जो लड़ाकू विमान उड़ाने और अपने देश की सेवा करने की दृढ़ संकल्प के साथ पुरुष प्रधान क्षेत्र को तौरती है अपनी तेज वृद्धि और बहादुरी से तेजस अपने प्रतिष्ठा को अपने स पायलट अफिया अंशुल चौहान अभिनेता के साथ एक बंधक को छुड़ाने के मिशन पर भेजने के लिए मना लेते हैं फिल्म से तेजस के साहसी कारनामों अपने देश के प्रति उनके अटूट प्रेम और क्या वो अपने मिशन के सफल होंगी बिगड़ करती है तेजस फिल्म को आलोचकों ने खूब फाड़ा है एटन टोमोटो ने इसे केवल 10 प्रतिशत का स्कोर मिला है जो 10 समीक्षकों और 2.10 पॉइंट की औसत रेटिंग पर आधारित है एन टीवी के सोगल चैटर्जी ने फिल्म को पांच में से वन स्टार दी और लिखा तेजस एक ऐसी फिल्म है जो शुरू से ही खराब मौसम के फंसी जाती है और कभी बाहर निकालने का रास्ता नहीं खोज पाती एक हवाई युद्ध थ्रिलर कभी इतनी हवा हवाई नहीं रही हालांकि अभी भी प्रतिक्रिया इतनी नकारात्मक नहीं था द टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने पांच में से तीस स्टार दिए और लिखा कहानी के आगे बढ़ने के साथ कुछ सिक्वेंस अचानक से टूटे हुए लगते हैं और आप एक अधिक संगत स्क्रीन प्ले की कामना करते हैं हालांकि फिल्म एक बार मुख्य बचाव अभियान शुरू होने के बाद रोमांचक हो जाती है और कुछ हाई ऑक्सटेंट एक्शन दृश्यों पेश करती है उन्होंने रनक को भावुक दृश्यों की के तरह ही सहजता से एक्शन करते का प्रशंसा की कुछ समीक्षकों ने फिल्म के दूसरे भाग की तारीफ करते हुए उसे अंधे अधूरेपन का शिकार बताया हिंदुस्तान टाइम्स के समर्थन गोयल ने तेजस को आपको आसमान और भू राजनीति के रोमांचक सफर पर ले जाती है वाली फिल्म रूप में वर्णित किया जो तनाव और प्रत्याशा के क्षणों को बताने का सफल होती है समीक्षा ने पहले हाफ को फुटेज का एक अनियंत्रित बताया लेकिन फिल्म को दूसरे हाफ में अपना संतुलन हासिल करने का श्रेय दिया जहां ये एक प्रशंसनीय लहेज को बनाए रखने की है जो कभी भी तेज और सुचारू नहीं होती फिल्म प्यार के निष्कर्ष निकाला जबकि तेजस युद्ध महिलाओं के महिलाओ के समावेश को बढ़ावा देने का एक शाहसी प्रयास है, लेकिन फिल्म का उसके धनदेश प्रभाव और कम कर देता है सुब्र गुप्ता ने फिल्म को आंखों को घुमाने वाले क्षणों का एक श्रृंखला के रूप में पैन किया लेकिन उन्होंने रौनक को प्रशंसा की जिनकी अभिनय क्षमता सबसे कमजोर दिशो में से चमकती है कुल मिलाकर तेजस को भले ही कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली हो लेकिन अधिकांश आलोचकों ने इसे कमजोर कहानी असंगत स्क्रीन प्ले और अदब के अथानक के लिए नकारा है फिल्म अपने देशभक्ति के संदेश और कंगना और नाथ के प्रदर्शन के कुछ दर्शकों को आकर्षक कर सकती है लेकिन कमजोरियों के कारण अधिकांश लोगों के लिए ये उड़ान भरने में असफल रहता है हिमाचल की चट्टानों से भी ज्यादा देर आकाश के शहर गरजता शोर वही तो है बहादुर सैनिक और जब बात आए इससे देश की रक्षा की तो पहली कड़ी बतना ये एक ऐसा हौसला जिसके पंख खोल दे तो दुश्मन का तो तेजस ऐसे ही एक कुशल वायुसेना पायलट की कहानी है जिसके लहू में बिरता और हवा में उड़ान समाये हुए है पहाड़ों की गोद में छिपे दुर्गम किले के ऊपर आकाश चिरती हुई दो धातु की चीले उड़ रही थी एक थे वायुसेना के सुरबीर बेटा कमांडर अंजलि सिंह और उनके साथ उनकी पक्की साथी को पायलट तारा देवी मगर आज उनका मिशन किसी सामान्य उड़ान से कैसी दूर था राष्ट्र की सुरक्षा खतरे से भी अंजलि और तारा एक खतरे से नष्ट करने के लिए निकलते थे एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डॉक्टर राय चौधरी को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था यह कोई मामूली अपहरण नहीं था डॉक्टर राय चौधरी ने देश की सुरक्षा के लिए एक आधुनिकता अधिक हथियार का निर्माण किया था और आतंकवादी उसी हथियार का इस्तेमाल एक हथानक हमले का योजना कर रहे थे भारत मंडराये इस तूफान को शांत करने का जिम्मा अंजलि और तारा के अंधों पर था चारों ओर दुर्भाग्य घटिया और, दुर्भाग और सतर्क आतंकवादी थे हर कदम सत्रों से भरा था मर्डर और दुश्मन से लड़ाकू विमान मंडरा रहे होते जमीन पर घात लगाए बंदूकधारी बोलो की छिपे थे और अंजलि और तारा डरते रहे थे ये बोल लंबे थे जो लिए तपस्या करके आई थी तेज रफ्तार से गुजर और करते हुए उनके लड़ाकू विमान ने किले की और गोता लगाया आसमान और धरती के बीच के घासमान युद्ध हुआ अंजलि की सूक्ष्म राजनीति और तारा का निपुण संचालन दर्शकों को धूल चटा रहा था उनके फायर एंड एंड फायरेट मिसाइलों ने आतंकवादियों के ठिकानों को धुआं कर दिया और दुश्मन के लड़ाकू विमानों का उनके ही जमीन पर धराशायी कर दिया किले के अंदर अंजलि और तारा के पूरा टूम्पर की तरह छलांग लगाई हथियारों के गड़गड़ाहट के, गर के बीच ही बंदूकधारियों के एक एक करके निष्क्रियों कर आगे बढ़ रही थी हर धमाका हर चीज उनके इरादे को और मजबूत कर रहा था आखिरकार वो डॉक्टर राय चौधरी तक पहुंच गई वो कमजोर लेकिन हौसले से भरे हुए थे उन्हें बचाकर वापस विमान तक पहुँचाना उसकी मुश्किल थी आतंकवादी का अंतिम हमला हुआ लेकिन अंजलि और तारा डटी रही उनके हौसले के आगे आतंकवादियों को शंसा टूट गई विमान में सुरक्षित बैठ डॉक्टर राय चौधरी की आंखों में भारत की आशा झलक रही थी अंजलि और तारा ने न सिर्फ एक बंधक को बचाया था बल्कि एक बड़े हमले को भी नाकाम कर दिया था उनके बहादुरी के किस्से गगन में गूंज रहे थे वो दो थी रोशनी ही घातक के अंधेरे में भारत की रोशनी बचा ली थी मगर उनकी कहानी यही खत्म नहीं हुई ये तो सिर्फ शुरुआत है आने वाली कल में भी दुश्मन को साजिश होगी पर जंगली अंजलि और तारा उनके लिए सफेद तूफान बनकर खड़ी रहेंगी भारतीय वायुसेना के बेटी राष्ट्रों की गौरव आकाश की विरंगना विरंगना कहानी यहीं से सितारों तक जाती है जो बात इस फिल्म को अलग करती है वो दो महिलाओं द्वारा अपरंत पड़ा भूमिका निभाने का ताजा दृश्य है उनकी प्रतिमत्ता और साहस के सबसे बड़े हथियार है उन्हें कार्य करते हुए देखकर आपको विश्वास हो जाएगा की वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम है लेखक निर्देशक मरोड़ा ये पुरुषों का प्रेम सम्बन्धो या बचाव की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के रूप में सहायक भूमिका में धकेल कर स्थिति बदल दी जाती है जो एक स्वागत योग्य बदलाव है हालांकि कभी कभी एक तेजस की बहादुरी अतिरिक्त और थोपी हुई महसूस हो सकती है एक पुरुष पायलट के साथ उसका सत्ता संघर्ष एक गुंडे को हराने की उनकी क्षमता और आदिवासी आदिवासियों के साथ उनके मुठभेड़ उसे उदाहरण अत्याधिक लग सकते हैं फिल्म का उदाहरण अनुसरण करना चुनौतीपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो अतीत और वर्तमान समय सीमा के बीच बदलते रहते हैं जैसे जैसे कहानी सामने आती है कुछ दृश्य अचानक लगते हैं और अधिक सामंजस्यपूर्ण पटकथा होती है दरअसल मुख्य बचाव अभियान शुरू होते के बाद हाई ऑक्सीजन एक्शन दृश्यों के साथ फिल्म वास्तव में रोमांचकारी हो जाती है दुर्भाग्य से आसना आतंकवादी हमले के बारे में एक समांतरण कहानी ध्यान भटकाने वाली साबित होती है फोटोग्राफी के निर्देशक हरी के वेम दृश्य रूप में रूप से मनोरम कल्पना प्रस्तुत करते हैं जो रेगिस्तानी सेटिंग्स में हवाई हमले उड़ानों और लड़ाई के दृश्यों को प्रभावित ढंग से कैंसर करती है फिल्म एक्शन विभाग में उत्कृष्ट है जिसमें कंगना रनौत ने सहजता से एक लड़ाकू पायलट की भूमिका निभाई है और धन शानदार एक्शन दृश्यों और भावनात्मक रूप से उत्साहित क्षण दिए हैं तेजस के तेज लेकिन अह के बफादार ये पायलट का किरदार निभा रहे हैं अंशुल चौहान ने प्रभावशाली प्रदर्शन किए हैं शासव सचदेव का संगीत विशेष रूप से अरिजीत सिंह की प्रस्तुति जैसे जानदा ऊर्जाबान रंजान और विजय गान आ रही अड़ी एक आकर्षक के रूप में सामने आते हैं जिसमें देशभक्ति फिल्म रक्षा नाटकों प्रदर्शनों का संवाद आ सकती है हालांकि एक मजबूत कहानी और कड़ी पटकथा ने फिल्म के प्रभाव को बढ़ा दिया होगा इस रोमांचक फिल्म की प्रेरणा दो में लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय से मिली है जब भारतीय वायुसेना ने उद्युक्त स्थितियों में महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे फिल्म की नायिका तेजस गिल अग्रणी महिलाओं में से एक है जो लड़ाकू विमान उड़ाने और अपने देश की सेवा करने की दृढ़ संकल्प के साथ पुरुष प्रधान क्षेत्रों को तोड़ती है अपनी तेज वृद्धि और बहादुरी से तेजस अपने प्रतिष्ठा को अपने सब पायलट अफिया अंशुल चौहानधर अभिनेता के साथ एक बंधक को छुड़ाने के मिशन पर भेजने के लिए मना लेते हैं फिल्म से तेजस के साहसी कारनामों अपने देश के प्रति उनके अटूट प्रेम और क्या वो अपने मिशन के सफल होंगी बिगड़ करती है तेजस फिल्म को आलोचकों ने खूब फाड़ा है एटन टोमोटोज ने इसे केवल 10 प्रतिशत का स्कोर मिला है जो 10 समीक्षकों और 2.10 की औसत रेटिंग पर आधारित है NTV के सोकल चैटर्जी ने फिल्म को पाँच में सोन स्टार दी और लिखा तेजस एक ऐसी फिल्म है जो शुरू से ही खराब मौसम के फंसी जाती है और कभी बाहर निकालने का रास्ता नहीं खोज पाती एक हवाई युद्ध थ्रिलर कभी इतनी हवा हवाई नहीं रही हालांकि अभी भी प्रतिक्रिया इतनी नकारात्मक नहीं था द टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने पांच में से तीस स्टार दी और लिखा कहानी के आगे बढ़ने के साथ कुछ स्वीकेंस अचानक से टूटे हुए लगते हैं और आप एक अधिक संगत स्क्रीन प्ले की कामना करते हैं हालांकि फिल्म एक बार मुख्य बचाव अभियान शुरू होने के बाद रोमांचक हो जाती है और कुछ हाई ऑक्सटेन एक्शन दृश्य पेश करती है उन्होंने रनत को भावुक दृश्यों की तरह ही सहजता से एक्शन करते का प्रशंसा की कुछ समीक्षकों ने फिल्म के दूसरे भाग की तारीफ करते हुए उसे अंधे अधूरेपन का शिकार बताया हिंदुस्तान टाइम्स के समर्थन गोयल ने तेजस को आपको आसमान और भू राजनीति के रोमांचकर सफर पर ले जाती है वाली फिल्म रूप में वर्णित किया जो तनाव और प्रत्याशा के क्षणों को बताने का सफल होती है समीक्षा ने पहले हाफ को फुटेज का एक अनियंत्रित देर बताया लेकिन फिल्म को दूसरे हाफ में अपना संतुलन हासिल करने का श्रेय दिया जहाँ ये एक प्रशंसनीय लहेज को बनाए रखने की है जो कभी भी तेज और सुचारू नहीं होती फिल्म फेयर के निष्कर्ष निकाला जबकि तेजस युद्ध भूमिकाओं के महिलाओं के समावेश को बढ़ापा देने का एक साहसी प्रयास है लेकिन फिल्म का अधिकार उसके धनदेश प्रभाव और कम कर देता है सुब्र गुप्ता ने फिल्म को आंखों को घुमाने वाले क्षणों का एक श्रृंखला के रूप में पैन किया लेकिन उन्होंने रौनक को प्रशंसा की जिनकी अभिनय क्षमता सबसे कमजोर दृश्यों में से चमकती है कुल मिलाकर तेजस को भले ही कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली हो लेकिन अधिकांश आलोचकों ने इसे कमजोर कहानी असंगत स्क्रीन प्ले और अदब के अथानक के लिए नकारा है फिल्म अपने देशभक्ति के संदेश और कंगना और नाथ के प्रदर्शन के कुछ दर्शकों को आकर्षक कर सकती है लेकिन कमजोरियों के कारण अधिकांश लोगों के लिए ये उड़ान भरने में असफल रहता है हिमाचल की चट्टानों से भी ज्यादा देर आकाश के शहर गरजता शोर वही तो है बहादुर सैनिक और जब बात आए इससे देश की रक्षा की तो पहली कड़ी बतना ये एक ऐसा हौसला जिसके पंख खोल दे तो दुश्मन कांप उठे तेजस तो ऐसे ही एक कुशल वायुसेना पायलट की कहानी है जिसके लहू में बिरता और हवा में उड़ान समाये हुए है पहाड़ों की गोद में छिपे दुर्गम किले के ऊपर आकाश चिरती हुई दो धातु की चीले उड़ रही थी एक थे वायुसेना के सुरबीर बेटा कमांडर अंजलि सिंह और उनके साथ उनकी पक्की साथी को पायलट तारा देवी मगर आज उनका मिशन किसी सामान्य उड़ान से कैसी दूर था राष्ट्र के सुरक्षा खतरे से भी अंजलि और तारा एक खतरे से नष्ट करने के लिए निकलते थे एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डॉक्टर राय चौधरी को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था यह कोई मामूली अपहरण नहीं था डॉक्टर राय चौधरी ने देश की सुरक्षा के लिए एक आधुनिकता अधिक हथियार का निर्माण किया था और आतंकवादी उसी हथियार का इस्तेमाल एक हताना का हमले का योजना कर रहे थे भारत इस तूफान को शांत करने का जिम्मा अंजलि और तारा के अंधों पर था चारों और दुर्भाग्य घटिया और सतर्क आतंकवादी थे हर कदम सत्रों से भरा था मर्डर और दुश्मन से लड़ाकू विमान मंडरा रहे होते जमीन पर घात लगाए बंदूकधारी लोगों की छिपे थे और अंजलि और तारा डरते रहे थे ये ये वो लंबे थे जो लिए वो तपस्या करके आई थी तेज रफ्तार से गुजर और करते हुए उनके लड़ाकू विमान ने किले की और गोता लगाया आसमान और धरती के बीच के घासमान युद्ध हुआ अंजलि की सूक्ष्म राजनीति और तारा का निपुण संचालन दर्शकों को धूल चटा रहा था उनके फायर एंड फायरेट मिसाइलों ने आतंकवादियों के ठिकानों को धुआं कर दिया और दुश्मन के लड़ाकू विमानों का उनके ही जमीन पर धराशाई कर दिया किले के अंदर अंजलि और तारा के पूरा की तरह छलांग लगाई हथियारों के गड़गड़ाहट के, गर के बीच बंदूकधारियों के एक एक करके कर आगे बढ़ रही थी हर धमाका हर चीज उनके को और मजबूत कर रहा था आखिरकार वो डॉक्टर राय चौधरी तक पहुंच गई वो कमजोर लेकिन हौसले से भरे हुए थे उन्हें बचाकर वापस विमान तक पहुंचाना उसकी मुश्किल थी आतंकवादी का अंतिम हमला हुआ लेकिन अंजलि और तारा डटी रही उनके हौसले के आगे आतंकवादियों को टूट गई विमान में सुरक्षित बैठ डॉक्टर राय चौधरी की आंखों में भारत की आशा झलक रही थी अंजलि और तारा ने न सिर्फ एक बंधक को बचाया था बल्कि एक बड़े हमले को भी नाकाम कर दिया था उनके बहादुरी के किस्से गगन में गूंज रहे थे वो दो तो रहती रोशनी ही उन्होंने घातक के अंधेरे में भारत की रोशनी बचा ली थी मगर उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई ये तो सिर्फ शुरुआत है आने वाली कल में भी दुश्मन को साजिश होगी पर जंगली अंजलि और तारा उनके लिए सफेद तूफान बनकर खड़ी रहेंगी भारतीय वायुसेना के बेटियों राष्ट्रों की गौरव आकाश की बिरंगना कहानी यहीं से सितारों तक जाती है जो बात इस फिल्म को अलग करती है वो दो महिलाओं द्वारा अपरंपरा भूमिका निभाने का ताजा दृश्य है है। उनकी प्रतिमत्ता और साहस के सबसे बड़े हथियार है उन्हें कार्य करते हुए देखकर आपको विश्वास हो जाए वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम है लेखक निर्देशक हरबेश मरोरा ये पुरुषों का प्रेम सम्बन्धो या बचाव की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के रूप में सहायक भूमिका में धकेल कर स्थिति बदल दी जाती है जो एक स्वागत योग्य बदलाव है हालांकि कभी कभी एक तेजस की बहादुरी अतिरिक्त और थोपी हुई महसूस हो सकती है एक पुरुष पायलट के साथ उसका सत्ता संघर्ष एक गुंडे को हराने की उनकी क्षमता और आदिवासी आदिवासियों के साथ उनके मुठभेड़ उसे उदाहरण अत्याधिक लग सकते हैं फिल्म का उदाहरण अनुसरण कर चुनौतीपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो अतीत और वर्तमान समय सीमा के बीच बदलते रहते हैं जैसे जैसे कहानी सामने आती है कुछ दृश्य अचानक लगते हैं और अधिक सामंजस्यपूर्ण पटकथा वांछनीय होती है दरअसल मुख्य बचाव अभियान शुरू होते के बाद, हाई ऑक्सीजन एक्शन दृश्यों के साथ फिल्म वास्तव में रोमांचकारी हो जाती है दुर्भाग्य से आसना आतंकवादी हमले के बारे में एक समांतरण कहानी ध्यान भटकाने वाली साबित होती है फोटोग्राफी के निर्देशक हरी के वेम दृश्यों रूप में रूप से मनोरम कल्पना प्रस्तुत करते हैं जो रेगिस्तानी सेटिंग्स में हवाई हमले उड़ानों और लड़ाई के दृश्यों को प्रभावित ढंग से कैंसर करती है फिल्म एक्शन विभाग में उत्कृष्ट है जिसमें कंगना रनौत ने सहजता से एक लड़ाकू पायलट की भूमिका निभाई है और शानदार एक्शन दृश्य और भावनात्मक रूप से उत्साहित छंद दिए हैं तेजस के तेज लेकिन योग वफादार ये पायलट का किरदार निभा रहे हैं अंशुल चौहान ने प्रभावशाली प्रदर्शन किए हैं। शाश्वत सचदेव का संगीत विशेष रूप से अरिजीत सिंह की प्रस्तुति जैसे जानदा उर्जावान रंजान और विजय गान आ रही अड़ी एक आकर्षक के रूप में सामने आते हैं जिसमें देशभक्ति फिल्म रक्षा नाटक को प्रदर्शनों का संवाद आ सकती है हालांकि एक मजबूत कहानी और कड़ी पटकथा ने फिल्म के प्रभाव को बढ़ा दिया होगा इस रोमांचक फिल्म की प्रेरणा दो में लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय से मिली है जब भारतीय वायुसेना ने उद्युक्त स्थितियों में महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे फिल्म की नायिका तेजस गिल अग्रणी महिलाओं में से एक है जो लड़ाकू विमान उड़ाने और अपने देश की सेवा करने की दृढ़ संकल्प के साथ पुरुष प्रधान क्षेत्रों को तोड़ती है अपनी तेज वृद्धि और बहादुरी से तेजस अपने प्रतिष्ठा को अपने सब पायलट अफिया अंशुल चौहानधर अभिनेता के साथ एक बंधक को छुड़ाने के मिशन पर भेजने के लिए मना लेते हैं फिल्म से तेजस के साहसी कारनामों अपने देश के प्रति उनके अटूट प्रेम और क्या वो अपने मिशन के सफल होंगी आलोचकों ने खूब फाड़ा है एटन टोमोटोज ने इसे केवल 10 प्रतिशत का स्कोर मिला है जो दस समीक्षकों और टू पॉइंट टेन की औसत रेटिंग पर आधारित है एन टीवी के शवकल चैटर्जी ने फिल्म को पांच में से वन स्टार दिया और लिखा तेजस एक ऐसी फिल्म है जो शुरू से ही हवा खराब मौसम के फंसी जाती है और कभी बाहर निकालने का रास्ता नहीं खोज पाती एक हवाई युद्ध थ्रिलर कभी इतनी हवा हवाई नहीं रही हालांकि अभी भी प्रतिक्रिया इतनी नकारात्मक नहीं था द टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने पांच में से तीस स्टार दिए और लिखा कहानी के आगे बढ़ने के साथ कुछ स्वीकेंस अचानक से टूटे हुए लगते हैं और आप एक अधिक संगत स्क्रीन प्ले की कामना करते हैं हालांकि फिल्म एक बार मुख्य बचाव अभियान शुरू होने के बाद रोमांचक हो जाती है और कुछ हाई ऑक्सटेन एक्शन दृश्यों पेश करती है उन्होंने रनत को भावुक दृश्यों के तरह ही सहजता से एक्शन करते का प्रशंसा की कुछ समीक्षकों ने फिल्म के दूसरे भाग की तारीफ करते हुए उसे अंधे अधूरेपन का शिकार बताया हिंदुस्तान टाइम्स के समर्थन गोयल ने तेजस को आपको आसमान और भू राजनीति के रोमांचक सफर पर ले जाती है वाली फिल्म रूप में वर्णित किया जो तनाव और प्रत्याशा के क्षणों को बताने का सफल होती है समीक्षा ने पहले हाफ को फुटेज का एक अनियंत्रित देर बताया लेकिन फिल्म को दूसरे हाफ में अपना संतुलन हासिल करने का श्रेय दिया जहाँ ये एक प्रशंसनीय लहेज को बनाए रखने की है जो कभी भी तेज और सुचारू नहीं होती फिल्म फेयर के निष्कर्ष निकाला जबकि तेजस युद्ध भूमिकाओं के महिलाओं के समावेश को बढ़ापा देने का एक साहसी प्रयास है लेकिन फिल्म का अधिकारन उसके धनदेश प्रभाव और कम कर देता है सुब्र गुप्ता ने फिल्म को आंखों को घुमाने वाले क्षणों का एक श्रृंखला के रूप में पैन किया लेकिन उन्होंने रौनक को प्रशंसा की जिनकी अभिनय क्षमता सबसे कमजोर दृश्यों में से चमकती है कुल मिलाकर तेजस को भले ही कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली हो लेकिन अधिकांश आलोचकों ने इसे कमजोर कहानी असंगत स्क्रीन प्ले और अदब के अथानक के लिए नकारा है फिल्म अपने देशभक्ति के संदेश और कंगना और के प्रदर्शन के कुछ दर्शकों को आकर्षक कर सकती है लेकिन कमजोरियों के कारण अधिकांश लोगों के लिए ये उड़ान भरने में असफल रहता है हिमाचल की चट्टानों से भी ज्यादा देर आकाश के शहर गरजता शोर वही तो है बहादुर सैनिक और जब बात आए इससे देश की रक्षा की तो पहली कड़ी बतना ये एक ऐसा हौसला जिसके पंख खोल दे तो दुश्मन कांप उठे तेजस तो ऐसे ही एक कुशल वायुसेना पायलट की कहानी है जिसके लहू में बिर और हवा में उड़ान समाये हुए है पहाड़ों की गोद में छिपे दुर्गम किले के ऊपर आकाश चिड़ती हुई दो धातु की चीले उड़ रही थी एक थे वायुसेना को पायलट तारा देवी मगर आज उनका मिशन किसी सामान्य उड़ान से कैसी दूर था राष्ट्र की सुरक्षा खतरे से भी अंजलि और तारा एक खतरे से नष्ट करने के लिए निकलते थे एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डॉक्टर राय चौधरी को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था यह कोई मामूली अपहरण नहीं था डॉक्टर राय चौधरी ने देश की सुरक्षा के लिए एक आधुनिकता अधिक हथियार का निर्माण किया था और आतंकवादी उसी हथियार का इस्तेमाल एक हथानक हमले का योजना कर रहे थे भारत राय इस तूफान को शांत करने का जिम्मा अंजलि और ताला के अंधों पर था चारों ओर दुर्भाग्य घटिया और सतर्क आतंकवादी थे हर कदम सत्रों से भरा था मर्डर और दुश्मन ऐसी लड़ाकू विमान मंडरा रहे होते जमीन पर घात लगाए बंदूकधारी बोलो की छिपे थे और अंजलि और तारा डरते रहे थे ये बोल लंबे थे जो लिए तपस्या करके आई थी तेज रफ्तार से गुजर और करते हुए उनके लड़ाकू विमान ने किले की और गोता लगाया आसमान और धरती के बीच के घासमान युद्ध हुआ अंजलि की सूक्ष्म राजनीति और तारा का निपुण संचालन दर्शकों को धूल चटा रहा था उनके फायर एंड फायरेट मिसाइलों ने आतंकवादियों के ठिकानों को धुआं कर दिया और दुश्मन के लड़ाकू विमानों का उनके ही जमीन पर धराशायी कर दिया किले के अंदर अंजलि और तारा के पुरा टूम्पर की तरह छलांग लगाई गड़गड़ाहट के बीच बंदूकधारियों के एक एक करके कर आगे बढ़ रही थी हर धमाका हर चीज उनके दादे को और मजबूत कर रहा था आखिरकार वो डॉक्टर राय चौधरी तक पहुँच गई वो कमजोर लेकिन हौसले से भरे हुए थे उन्हें बचाकर वापस विमान तक पहुँचाना उसकी मुश्किल थी आतंकवादी का अंतिम हमला हुआ लेकिन अंजलि और तारा डटी रही उनके हौसले के आगे आतंकवादियों को शंसा टूट गई विमान में सुरक्षित बैठ डॉक्टर राय चौधरी की आंखों में भारत की आशा झलक रही थी अंजलि और तारा ने न सिर्फ एक बंधक को बचाया था बल्कि एक बड़े हमले को भी नाकाम कर दिया था उनके बहादुरी के किस्से गगन में गूंज रहे थे वो दो रहती रोशनी ही इन्होंने घातक के अंधेरे में भारत की रोशनी बचा ली थी मगर उनकी कहानी यही खत्म नहीं हुई ये तो सिर्फ शुरुआत है आने वाली कल में भी दुश्मन को साजिश होगी पर जंगली अंजलि और तारा उनके लिए सफेद तूफान बनकर खड़ी रहेंगी भारतीय वायुसेना के बेटी और राष्ट्रों तो की गौरव आकाश की वीरंगना कहानी यहीं से सितारों तक जाती है जो बात इस फिल्म को अलग करती है वो दो महिलाओं द्वारा अपरंत भूमिका निभाने का ताजा दृश्य है उनकी प्रतिमत्ता और साहस के सबसे बड़े हथियार है उन्हें कार्य करते हुए देखकर आपको विश्वास हो जाए कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम है लेखक निर्देशक सर्वेश मरोरा ये पुरुषों का प्रेम सम्बन्धो या बचाव की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के रूप में सहायक भूमिका में धकेल कर स्थिति बदल दी जाती है जो एक स्वागत योग्य बदलाव है हालांकि कभी कभी एक तेजस की बहादुरी अतिरिक्त और थोपी हुई महसूस हो सकती है एक पुरुष पायलट के साथ उसका सत्ता संघर्ष एक गुंडे को हराने की उनकी क्षमता और आदिवासी आदिवासियों के साथ उनके मुठभेड़ उसे उदाहरण अत्याधिक लग सकते हैं फिल्म का उदाहरण अनुसरण कर चुनौती हो जाती है क्योंकि वो अतीत और वर्तमान समय सीमा के बीच बदलते रहते हैं जैसे जैसे कहानी सामने आती है कुछ दृश्य अचानक लगते हैं और अधिक सामंजस्यपूर्ण पटकथा दरअसल मुख्य बचाव अभियान शुरू होने के बाद हाई ऑक्सीजन एक्शन दृश्यों के साथ फिल्म वास्तव में रोमांचकारी हो जाती है दुर्भाग्य से आसना आतंकवादी हमले के बारे में एक समांतरण कहानी ध्यान भटकाने वाली साबित होती है फोटोग्राफी के निर्देशक हरी के वेम दृश्यों रूप में रूप से मनोरम कल्पना प्रस्तुत करते हैं जो रेगिस्तानी सेटिंग्स में हवाई हमले उड़ानों और लड़ाई के दृश्यों को प्रभावित ढंग से कैंसर करती है फिल्म एक्शन विभाग में उत्कृष्ट है जिसमें कंगना नाथ ने सहजता से एक लड़ाकू पायलट की भूमिका निभाई है और शानदार एक्शन दृश्यों और भावनात्मक रूप से उत्साहित क्षण दिए हैं तेजस के तेज लेकिन योग के बफादार ये पायलट का किरदार निभा रहे हैं अंशुल चौहान ने प्रभावशाली प्रदर्शन किए हैं शाश्वत सचदेव का संगीत विशेष रूप से अरिजीत सिंह की प्रस्तुति जैसे जानदा ऊर्जावान रंजान और विजय गान आ रही अड़ी एक आकर्षक के रूप में सामने आते हैं जिसमें देशभक्ति फिल्म रक्षा नाटक को प्रदर्शनों का संवाद आ सकती है हालांकि एक मजबूत कहानी और कड़ी पटकथा ने फिल्म के प्रभाव को बढ़ा दिया होगा इस रोमांचकर फिल्म की प्रेरणा दो में लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय से मिली है जब भारतीय वायुसेना ने उद्युक्त स्थितियों में महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे फिल्म की नायिका तेजस गिल अग्रणी महिलाओं में से एक है जो लड़ाकू विमान उड़ाने और अपने देश की सेवा करने की दृढ़ संकल्प के साथ पुरुष प्रधान क्षेत्रों को तोड़ती है अपनी तेज वृद्धि और बहादुरी से तेजस अपने प्रतिष्ठा को अपने स पायलट अफिया अंशुल चौहानधर अभिनेता के साथ एक बंधक को छुड़ाने के मिशन पर भेजने के लिए मना लेते हैं फिल्म से तेजस के साहसी कारनामों अपने देश के प्रति उनके अटूट प्रेम और क्या वो अपने मिशन के सफल होंगी बिगड़ करती है तेजस फिल्म को आलोचकों ने खूब फाड़ा है एटन टोमोटोज ने इसे केवल दस प्रतिशत का स्कोर मिला है जो दस समीक्षकों और टू की औसत रेटिंग पर आधारित है एन टीवी के शिवकल चैटर्जी ने फिल्म को पाँच में से वन स्टार दी और लिखा तेजस एक ऐसी फिल्म है जो शुरू से ही खराब मौसम के फंसी जाती है और कभी बाहर निकालने का रास्ता नहीं खोज पाती एक हवाई युद्ध थ्रिलर कभी इतनी हवा हवाई नहीं रही हालांकि अभी भी प्रतिक्रिया इतनी नकारात्मक नहीं था द टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने पांच में से तीस स्टार दिए और लिखा कहानी के आगे बढ़ने के साथ कुछ सीस अचानक से टूटे हुए लगते हैं और आप एक अधिक संगत स्क्रीन प्ले की कामना करते हैं हालांकि फिल्म एक बार मुख्य बचाव अभियान शुरू होने के बाद रोमांचक हो जाती है और कुछ हाई ऑक्सटेन एक्शन दृश्यों पेश करती है उन्होंने रनत को भावुक दृश्यों के तरह ही सहजता से एक्शन करते का प्रशंसा की कुछ समीक्षकों ने फिल्म के दूसरे भाग की तारीफ करते हुए उसे अंधे अधूरेपन का शिकार बताया हिंदुस्तान टाइम्स के समर्थन गोयल ने तेजस को आपको आसमान और भू राजनीति के रोमांचक सफर पर ले जाती है वाली फिल्म रूप में वर्णित किया जो तनाव और प्रत्याशा के क्षणों को बताने का सफल होती है समीक्षा ने पहले हाफ को फुटेज का एक अनियंत्रित देर बताया लेकिन फिल्म को दूसरे हाफ में अपना संतुलन हासिल करने का श्रेय दिया जहां ये एक प्रशंसनीय लहेज को बनाए रखने की है जो कभी भी तेज और सुचारू नहीं होती फिल्म फेयर के निष्कर्ष निकाला जबकि तेजस युद्ध के महिलाओ के महिलाओं समावेश को बढ़ावा देने का एक साहसी प्रयास लेकिन फिल्म का उसके धनदेश प्रभाव और कम कर देता है सुब्र गुप्ता ने फिल्म को आंखों को घुमाने वाले क्षणों का एक श्रृंखला के रूप में पैन किया लेकिन उन्होंने रौनक को प्रशंसा की जिनकी अभिनय क्षमता सबसे कमजोर दृश्यों में से चमकती है कुल मिलाकर तेजस को भले ही कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली हो लेकिन अधिकांश आलोचकों ने इसे कमजोर कहानी असंगत स्क्रीन प्ले और अदब के अथानक के लिए नकारा है फिल्म अपने देशभक्ति के संदेश और कंगना और नाथ के प्रदर्शन के कुछ दर्शकों को आकर्षक कर सकती है लेकिन कमजोरियों के कारण अधिकांश लोगों के लिए ये उड़ान भरने में असफल रहता है हिमाचल की चट्टानों से भी ज्यादा देर आकाश के शहर गरजता शौर वही तो है बहादुर सैनिक और जब बात आए इससे देश की रक्षा की तो पहली कड़ी बतना ये एक ऐसा हौसला जिसके पंख खोल दे तो दुश्मन कांप उठे तेजस तो ऐसे ही एक कुशल वायुसेना पायलट की कहानी है जिसके लहू में बिरता और हवा में उड़ान समाये हुए है पहाड़ों की गोद में छिपे दुर्गम किले के ऊपर आकाश चिरती हुई दो धातु की चीले उड़ रही थी एक थे वायुसेना के सुरबीर बेटा कमांडर अंजलि सिंह और उनके साथ उनके पक्की साथी को पायलट तारा देवी मगर आज उनका मिशन किसी सामान्य उड़ान से कैसी दूर था राष्ट्र की सुरक्षा खतरे से भी अंजलि और तारा एक खतरे से नष्ट करने के लिए निकलते थे एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डॉक्टर राय चौधरी को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था ये कोई मामूली अपहरण नहीं था डॉक्टर राय चौधरी ने देश की सुरक्षा के लिए एक आधुनिकता अधिक हथियार का निर्माण किया था और आतंकवादी उसी हथियार का इस्तेमाल एक हथानक हमले का योजना कर रहे थे भारत मंडराय इस तूफान को शांत करने का जिम्मा संजलि और ताला के अंधों पर था चारों और दुर्भाग्य घटिया और सतर्क आतंकवादी थे हर कदम सत्रों से भरा था मर्डर और दुश्मन से लड़ाकू विमान मंडरा रहे होते थे जमीन पर घात लगाए बंदूकधारी बोलो की छिपे थे और अंजलि और तारा डरते रहे थे ये वो लंबे थे जो लिए तपस्या करके आई थी तेज रफ्तार से गुजर और करते हुए उनके लड़ाकू विमान ने किले की और गोता लगाया आसमान और धरती के बीच के घासमान युद्ध हुआ अंजलि की सूक्ष्म राजनीति और तारा का निपुण संचालन दर्शकों को धूल चटा रहा था उनके फायर एंड एंड फायरेट मिसाइलों ने आतंकवादियों के ठिकानों को धुआं कर दिया और दुश्मन के लड़ाकू विमानों का उनके ही जमीन पर धराशायी कर दिया किले के अंदर अंजलि और ताड़ा के पूरा टुम्पर की तरह छलांग लगाई हथियारों के गड़गड़ाहट गर के बीच बंदूकधारियों के एक एक करके निस्क्यों कर आगे बढ़ रही थी हर धमाका हर चीज उनके इरादे को और मजबूत कर रहा था आखिरकार वो डॉक्टर राय चौधरी तक पहुंच गई वो कमजोर लेकिन हौसले से भरे हुए थे उन्हें बचाकर वापस विमान तक पहुंचाना उसकी मुश्किल थी आतंकवादी का अंतिम हमला हुआ लेकिन अंजलि और तारा डटी रही उनके हौसले के आगे आतंकवादियों को शंसा टूट गई विमान में सुरक्षित बैठ डॉक्टर राय चौधरी की आंखों में भारत की आशा झलक रही थी अंजलि और तारा ने न सिर्फ एक बंधक को बचाया था बल्कि एक बड़े हमले को भी नाकाम कर दिया था उनके बहादुरी के किस्से गगन में गूंज रहे थे वो दो रोशनी ही इन्होंने घातक के अंधेरे में भारत की रोशनी बचा ली थी मगर उनकी कहानी यही खत्म नहीं हुई ये तो सिर्फ शुरुआत है आने वाली कल में भी दुश्मन को साजिश होगी पर जंगली अंजलि और तारा उनके लिए सफेद तूफान बनकर खड़ी रहेंगी भारतीय वायुसेना के बेटियों राष्ट्र राष्ट्रों की गौरव आकाश की विरंगना विरंगना कहानी यहीं से सितारों तक जाती है जो बात इस फिल्म को अलग करती है वो दो महिलाओं द्वारा अपरंत पड़ा भूमिका निभाने का ताजा दृश्य है उनकी प्रतिमत्ता और साहस के सबसे बड़े हथियार है उन्हें कार्य करते हुए देखकर आपको विश्वास हो जाएगा कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम है लेखक निर्देशक हरबेश मरोरा ये पुरुषों का प्रेम संबंधों या बचाव की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के रूप में सहायक भूमिका में धकेल स्थिति बदल दी जाती है जो एक स्वागत योग्य बदलाव है हालांकि कभी कभी एक तेजस की बहादुरी अतिरिक्त और थोपी हुई महसूस हो सकती है एक पुरुष पायलट के साथ उसका सत्ता संघर्ष एक गुंडे को हराने की उनकी क्षमता और आदिवासी आदिवासियों के साथ उनके मुठभेड़ उसे उदाहरण अत्याधिक लग सकते हैं फिल्म का उदाहरण अनुसरण कारण चुनौती हो जाती है क्योंकि वो अतीत और वर्तमान समय सीमा के बीच बदलते रहते हैं जैसे जैसे कहानी सामने आती है कुछ दृश्य अचानक लगते हैं और अधिक सामंजस्यपूर्ण पटकथा होती है दरअसल मुख्य बचाव अभियान शुरू होते के बाद हाई ऑक्सीजन एक्शन दृश्यों के साथ फिल्म वास्तव में रोमांचकारी हो जाती है दुर्भाग्य से आसना आतंकवादी हमले के बारे में एक समांतरण कहानी ध्यान भटकाने वाली साबित होती है फोटोग्राफी के निर्देशक हरी के वेम दृश्य रूप में रूप से मनोरम कल्पना प्रस्तुत करते हैं जो रेगिस्तानी सेटिंग्स में हवाई हमले उड़ानों और लड़ाई के दृश्यों को प्रभावित ढंग से कैंसर करती है फिल्म एक्शन विभाग में उत्कृष्ट है जिसमें कंगना रनौत ने सहजता से एक लड़ाकू पायलट की भूमिका निभाई है और शानदार एक्शन दृश्यों और भावनात्मक रूप से उत्साहित क्षण दिए हैं तेजस के तेज लेकिन योग के बफादार ये पायलट का किरदार निभा रहे हैं अंशुल चौहान ने प्रभावशाली प्रदर्शन किए हैं शाश्वत सचदेव का संगीत विशेष रूप से अरिजीत सिंह की प्रस्तुति जैसे जानदा ऊर्जावान रंजान और विजय गान आ रही अड़ी एक आकर्षक के रूप में सामने आते हैं जिसमें जिसमे फिल्म रक्षा नाटकों प्रदर्शनों का संवाद आ सकती है हालांकि एक मजबूत कहानी और कड़ी पटकथा ने फिल्म के प्रभाव को बढ़ा दिया होगा इस रोमांचकर फिल्म की प्रेरणा दो में लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय से मिली है जब भारतीय वायुसेना ने उद्युक्त स्थितियों में महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे फिल्म की नायिका तेजस गिल अग्रणी महिलाओं में से एक हैं, जो लड़ाकू विमान उड़ाने और अपने देश की सेवा करने की दृढ़ संकल्प के साथ पुरुष प्रधान क्षेत्रों को तोड़ती है अपनी तेज वृद्धि और बहादुरी से तेजस अपने प्रतिष्ठा को अपने स पायलट अफिया अंशुल चौहान द्वारा अभिनेता के साथ एक बंधक को छुड़ाने के मिशन पर भेजने के लिए मना लेते हैं फिल्म से तेजस के साहसी कारनामों अपने देश के प्रति उनके अटूट प्रेम और क्या वो अपने मिशन के सफल होंगी करती है। तेजस को आलोचकों ने खूब फाड़ा है एटन टोमोटोज ने इसे केवल दस प्रतिशत का स्कोर मिला है जो दस समीक्षकों और टू की औसत रेटिंग पर आधारित है टीवी के सेवकल चैटर्जी ने फिल्म को पांच में से वन स्टार दिया और लिखा तेजस एक ऐसी फिल्म है जो शुरू से ही खराब मौसम के फंसी जाती है और कभी बाहर निकालने का रास्ता नहीं खोज पाती एक हवाई युद्ध कभी इतनी हवा हवाई नहीं रही हालांकि अभी भी प्रतिक्रिया इतनी नकारात्मक नहीं था द टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने पांच में से तीस स्टार दिए और लिखा कहानी के आगे बढ़ने के साथ कुछ सिक्वेंस अचानक से टूटे हुए लगते हैं और आप एक अधिक संगत स्क्रीन प्ले की कामना करते हैं हालांकि फिल्म एक बार मुख्य बचाव अभियान शुरू होने के बाद रोमांचक हो जाती है और कुछ हाई ऑक्सटेन एक्शन दृश्यों पेश करती है उन्होंने रनत को भावुक दृश्यों के तरह ही सहजता से एक्शन करते का प्रशंसा की कुछ समीक्षकों ने फिल्म के दूसरे भाग की तारीफ करते हुए उसे अंधे अधूरेपन का शिकार बताया हिंदुस्तान टाइम्स के समर्थन गोयल ने तेजस को आपको आसमान और भू राजनीति के रोमांचक सफर पर ले जाती है वाली फिल्म रूप में वर्णित किया जो तनाव और प्रत्याशा के क्षणों को बताने का सफल होती है समीक्षा ने पहले हाफ को फुटेज का एक अनियंत्रित बताया लेकिन फिल्म को दूसरे हाफ में अपना संतुलन हासिल करने का श्रेय दिया जहां ये एक प्रशंसनीय लहेज को बनाए रखने की है जो कभी भी तेज और सुचारू नहीं होती फिल्म फेयर के निष्कर्ष निकाला जबकि तेजस युद्ध महिलाओं के महिलाओ के समावेश को बढ़ावा देने का एक शाहसी प्रयास है, लेकिन फिल्म का उसके प्रभाव और कम कर देता है सुब्र गुप्ता ने फिल्म को आंखों को घुमाने वाले क्षणों का एक श्रृंखला के रूप में पैन किया लेकिन उन्होंने रौनक प्रशंसा की जिनकी अभिनय क्षमता सबसे कमजोर दिशो में से चमकती है कुल मिलाकर तेजस को भले ही कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली हो लेकिन अधिकांश आलोचकों ने इसे कमजोर कहानी असंगत स्क्रीन प्ले और के अथानक के लिए नकारा है फिल्म अपने देशभक्ति के संदेश और कंगना और नाथ के प्रदर्शन के कुछ दर्शकों को आकर्षक कर सकती है लेकिन कमजोरियों के कारण अधिकांश लोगों के लिए ये उड़ान भरने में असफल रहता है हिमाचल की चट्टानों से भी ज्यादा देर आकाश के शहर गरजता शोर वही तो है बहादुर सैनिक और जब बात आए इससे देश की रक्षा की तो पहली कड़ी बतना ये एक ऐसा हौसला जिसके पंख खोल दे तो दुश्मन कांप उठे तो जस ऐसे ही एक कुशल वायुसेना पायलट की कहानी है जिसके लहू में बिरता और हवा में उड़ान समाये हुए है पहाड़ों की गोद में छिपे दुर्गम किले के ऊपर आकाश चिरती हुई दो धातु की चीले उड़ रही थी एक थे वायुसेना के सुरबीर बेटा कमांडर अंजलि सिंह और उनके साथ उनकी पक्की साथी को पायलट तारा देवी मगर आज उनका मिशन किसी सामान्य उड़ान से कैसी दूर था राष्ट्र की सुरक्षा खतरे से भी अंजलि और तारा एक खतरे से नष्ट करने के लिए निकलते थे एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डॉक्टर राय चौधरी को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था ये कोई मामूली अपहरण नहीं था डॉक्टर राय चौधरी ने देश की सुरक्षा के लिए एक आधुनिकता अधिक हथियार का निर्माण किया था और आतंकवादी उसी हथियार का इस्तेमाल एक हथानक हमले का योजना कर रहे थे भारत मंडराये इस तूफान को शांत करने का जिम्मा अंजलि और ताला के अंधों पर था चारों ओर दुर्भाग्य घटिया और सतर्क आतंकवादी थे हर कदम सत्रों से भरा था मर्डर और दुश्मन ऐसी लड़ाकू विमान मंडरा रहे होते जमीन पर घात लगाए बंदूकधारी बोलो की छिपे थे और अंजलि और तारा डरते रहे थे ये वो लंबे थे जो लिए वो तपस्या करके आई थी तेज रफ्तार से गुजर और करते हुए उनके लड़ाकू विमान ने किले की और गोता लगाया आसमान और धरती के बीच के घासमान युद्ध हुआ अंजलि की सूक्ष्म राजनीति और तारा का निपुण संचालन दर्शकों को धूल चटा रहा था उनके फायर एंड एंड फायरेट मिसाइलों ने आतंकवादियों के ठिकानों को धुआं कर दिया और दुश्मन के लड़ाकू विमानों का उनके ही जमीन पर धराशायी कर दिया किले के अंदर अंजलि और तारा के पूरा टूम्पर की तरह छलांग लगाई हथियारों के गड़गड़ाहट गर के बीच बंदूकधारियों के एक एक करके निष्क्रिय कर आगे बढ़ रही थी हर धमाका हर चीज उनके इरादे को और मजबूत कर रहा था आखिरकार वो डॉक्टर राय चौधरी तक पहुंच गई वो कमजोर लेकिन हौसले से भरे हुए थे उन्हें बचाकर वापस विमान तक पहुँचाना उसकी मुश्किल थी आतंकवादी का अंतिम हमला हुआ लेकिन अंजलि और तारा डटी रही उनके हौसले के आगे आतंकवादियों को शंसा टूट गई विमान में सुरक्षित बैठ डॉक्टर राय चौधरी की आंखों में भारत की आशा झलक रही थी अंजलि और तारा ने न सिर्फ एक बंधक को बचाया था बल्कि एक बड़े हमले को भी नाकाम कर दिया था उनके बहादुरी के किस्से गगन में गूंज रहे थे वो दो रहती रोशनी ही जिन्होंने घातक के अंधेरे में भारत की रोशनी बचा ली थी मगर उनकी कहानी यही खत्म नहीं हुई ये तो सिर्फ शुरुआत है आने वाली कल में भी दुश्मन को साजिश होगी पर जंगली

हरबेश मरोरा यह पुरुषों का प्रेम संबंधों या बचाव की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के रूप में सहायक भूमिका में धकेल कर स्थिति बदल दी जाती है जो एक स्वागत योग्य बदलाव है हालांकि कभी कभी एक तेजस की बहादुरी अतिरिक्त और थोपी हुई महसूस हो सकती है एक पुरुष पायलट के साथ उसका सत्ता संघर्ष एक गुंडे को हराने की उनकी क्षमता और आदिवासी आदिवासियों के साथ उनके मुठभेड़ उसे उदाहरण अत्याधिक लग सकते हैं फिल्म का उदाहरण अनुसरण करना चुनौतीपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो अतीत और वर्तमान समय सीमा के बीच बदलते रहते हैं जैसे जैसे कहानी सामने आती है कुछ दृश्य अचानक लगते हैं और अधिक सामंजस्यपूर्ण पटकथा होती है दरअसल मुख्य बचाव अभियान शुरू होने के बाद हाई ऑक्सीजन एक्शन दृश्यों के साथ फिल्म वास्तव में रोमांचकारी हो जाती है दुर्भाग्य से आसना आतंकवादी हमले के बारे में एक समांतरण कहानी ध्यान भटकाने वाली साबित होती है फोटोग्राफी के निर्देशक हरी के वेम दृश्य रूप में रूप से मनोरम कल्पना प्रस्तुत करते हैं जो रेगिस्तानी सेटिंग्स में हवाई हमले उड़ानों और लड़ाई के दृश्यों को प्रभावित ढंग से कैंसर करती है फिल्म एक्शन विभाग में उत्कृष्ट है जिसमें कंगना रनौत ने सहजता से एक लड़ाकू पायलट की भूमिका निभाई है और धन शानदार एक्शन दृश्यों और भावनात्मक रूप से उत्साहित क्षण दिए हैं तेजस के तेज लेकिन अह के वफादार ये पायलट का किरदार निभा रहे हैं अंशुल चौहान ने प्रभावशाली प्रदर्शन किए हैं शाश्वत सचदेव का संगीत विशेष रूप से अरिजीत सिंह की प्रस्तुति ऊर्जावान रंजान और विजय गान आ रही अड़ी एक आकर्षक के रूप में सामने आते हैं जिसमें जिसमे फिल्म रक्षा नाटकों प्रदर्शनों का संवाद आ सकती है हालांकि एक मजबूत कहानी और कड़ी पटकथा ने फिल्म के प्रभाव को बढ़ा दिया होगा इस रोमांचकर फिल्म की प्रेरणा दो में लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय से मिली है जब भारतीय वायुसेना ने उद्युक्त स्थितियों में महिलाओं के लिए अपने के खोल दिए थे फिल्म की नायिका तेजस गिल अग्रणी महिलाओं में से एक है जो लड़ाकू विमान उड़ाने और अपने देश की सेवा करने की दृढ़ संकल्प के साथ पुरुष प्रधान क्षेत्रों को तोड़ती है अपनी तेज वृद्धि और बहादुरी से तेजस अपने को अपने सब पायलट अफिया अंशुल चौहान अभिनेता के साथ एक बंधक को छुड़ाने के मिशन पर भेजने के लिए मना लेते हैं फिल्म से तेजस के साहसी कारनामों अपने देश के प्रति उनके अटूट प्रेम और क्या वो अपने मिशन के सफल होंगी बिगड़ करती है तेजस फिल्म को आलोचकों ने खूब फाड़ा है एटन ने इसे केवल दस प्रतिशत का स्कोर मिला है ऐसी फिल्म है जो शुरू से ही खराब मौसम के फंसी जाती है और कभी बाहर निकालने का रास्ता नहीं खोज पाती एक हवाई युद्ध थ्रिलर कभी इतनी हवा हवाई नहीं रही हालांकि अभी भी प्रतिक्रिया इतनी नकारात्मक नहीं था द टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने पांच में से तीस स्टार दिए और लिखा कहानी के आगे बढ़ने के साथ कुछ स्वीकें अचानक से टूटे हुए लगते हैं और आप एक अधिक संगत स्क्रीन प्ले की कामना करते हैं हालांकि फिल्म एक बार मुख्य बचाव अभियान शुरू होने के बाद रोमांचक हो जाती है और कुछ हाई ऑक्सटेट एक्शन दृश्य पेश करती है उन्होंने रनत को भावुक दृश्यों की के तरह ही सहजता से एक्शन करते का प्रशंसा की कुछ समीक्षकों ने फिल्म के दूसरे भाग की तारीफ करते हुए उसे अंधे अधूरेपन का शिकार बताया हिंदुस्तान टाइम्स के समर्थन गोयल ने तेजस को आपको आसमान और भू राजनीति के रोमांचकर सफर पर ले जाती है वाली फिल्म रूप में वर्णित किया जो प्रत्याशा के क्षणों को बताने का सफल होती है समीक्षा ने पहले हाफ को फुटेज का एक अनियंत्रित देर बताया लेकिन फिल्म को दूसरे हाफ में अपना संतुलन हासिल करने का श्रेय दिया जहां ये एक प्रशंसनीय लहेज को बनाए रखने की है जो कभी भी तेज और सुचारू नहीं होती फिल्म फेयर के निष्कर्ष निकाला जबकि तेजस युद्ध भूमिकाओं के महिलाओं के समावेश को बढ़ापा देने का एक साहसी प्रयास है लेकिन फिल्म का अधिकार उसके धनदेश प्रभाव और कम कर देता है शुभ्र गुप्ता ने फिल्म को आंखों को घुमाने वाले क्षणों का एक श्रृंखला के रूप में पैन किया लेकिन उन्होंने रौनक को प्रशंसा की जिनकी अभिनय क्षमता सबसे कमजोर दृश्यों में से चमकती है कुल मिलाकर तेजस को भले ही कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली हो लेकिन अधिकांश आलोचकों ने इसे कमजोर कहानी असंगत स्क्रीन प्ले और अदब के अथानक के लिए नकारा है फिल्म अपने देशभक्ति के संदेश और कंगना और नाथ के प्रदर्शन के कुछ दर्शकों को आकर्षक कर सकती है लेकिन कमजोरियों के कारण अधिकांश लोगों के लिए ये उड़ान भरने में असफल रहता है हिमाचल की चट्टानों से भी ज्यादा देर आकाश के शहर गरजता शोर वही तो है बहादुर सैनिक और जब बात आए इससे देश की रक्षा की तो पहली कड़ी बतना ये एक ऐसा हौसला जिसके पंख खोल दे तो दुश्मन कांप उठे तेजस तो ऐसे ही एक कुशल वायुसेना पायलट की कहानी है जिसके लहू में बिरता और हवा में उड़ान समाये हुए है